हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है क्रैक, जिसका टैगलाइन है जीतेगा तो जिएगा। तो इसी टैगलाइन के इर्द-गिर्द फिल्म की कहानी है, प्रीमाइस है, वो भी बताया गया है। जहाँ पे क्रैक फिल्म कब तक आपको थिएटर में, कैसे OTT और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, उसके ऊपर हम एक डिटेलिंग देंगे। फिल्मिंग के ऊपर भी प्रॉपर डिटेलिंग मिलने वाली है। साथ ही में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक प्रेडिक्शन दिया जाएगा, कितना क्या कलेक्शन हो सकता है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। इसके अलावा इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे। साथ ही में म्यूज़िक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर एक डिटेलिंग में बातचीत करने वाले। फिल्म का जो टीज़र, ट्रेलर, जो भी कंटेंट आउट हुआ है उसका एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाया जाएगा, उसके ऊपर एक रिव्यू दिया जाएगा। इसके अलावा उसके ऊपर से कहानी का प्रीमाइस भी आपको बताने वाले। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ ही में एंटरटेनिंग भी होगा। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रैक जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है, इसका टैगलाइन है जीतेगा तो जिएगा। अब ये जो जीतेगा तो जिएगा जो कॉन्सेप्ट है वो फिल्म में पूरी तरह से यूज़ किया हुआ है। जो एक स्पोर्ट्स एक्शन गेम मैंने एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म किए हुए, तो जो स्पोर्ट है वो उसी टाइप का आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। और इस फिल्म को जो प्रमोट किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म बनने जा रही है इंडिया में। अब वो किस तरह से कैसे क्या दिखाया है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे इससे पहले कुछ फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। जहाँ पे उन्होंने इस क्रैक फिल्म के साथ एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फिल्म के ऊपर पहली बार काम कर रहे हैं। लेकिन कमांडो 3 उन्होंने 2019 में विद्युत जामवाल के साथ बनाई थी, वो भी एक एक्शन फिल्म थी। उससे पहले एक थ्रिलर फिल्म बनाई थी परेश रावल, राजीव खंडेलवाल के साथ, टेबल नंबर 21, जो 2013 में बनी थी। उसके बाद में उससे पहले 2012 में विल्यू मेरी मी करके श्रेयस तलपड़े और मुग्धा गोडसे के साथ उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई हुई थी। उससे पहले उन्होंने गुड लक करके फिल्म बनाई हुई थी, वो एक ड्रामा फिल्म थी। 2006 में उनके दिल दिया है फिल्म आई थी इमरान हाशमी, अस्मित पटेल, गीता बसरा के साथ, वो एक थ्रिलर फिल्म थी। 2005 में उन्होंने आशिक बनाया आपने फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की हुई थी, जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी, सोनू सूद और तनुश्री दत्ता को लिया था, वो भी एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। तो उन्होंने अपने करियर में रोमांस, थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन और स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ अलग अलग जोनर की फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि 2024 की जो इनकी क्रैक फिल्म आने वाली है वो किस तरह का कैसा बस क्रिएट कर पाती है। वैसे फिल्म का स्टोरी का आइडिया उनका ही था, उसके ऊपर उनको मदद किए हुए रेहान खान और सरीम मोमिन ने, जहाँ पे डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उनके साथ बैठ के उन्होंने तैयार किए हुए और डायरेक्शन आदित्य दत्त का ही आपको देखने को मिलेगा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं अब्बास सैयद और विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है। इस फिल्म को पेनोरामा स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है, तो एक अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब देखते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू फिल्म को किस तरह से किसी क्या रिलीज़ मिलती है। वैसे आसपास में कोई बड़ी फिल्म तो है नहीं, तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिलीज़ तो फिल्म को मिलने ही वाली है। अब देखते हैं कि इस रिलीज़ के साथ ये फिल्म किस तरह से किसी क्या कमाल करती है। इस फिल्म के ऊपर थोड़ी बहुत और चर्चा करें तो फिल्म की कास्टिंग में आपको विद्युत जामवाल, नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल, एमी जैक्सन जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले, जहाँ पे एमी जैक्सन काफ़ी सारी फिल्मों के बाद इस फिल्म में कमबैक करती हुई नजर आएगी, जहाँ पे काफ़ी सालों के बाद उन्होंने कमबैक किया हुआ है। आखिरी जो उनकी फिल्म आई थी वो 2018 में थी, वो भी एक कन्नड़ा और तमिल फिल्म थी प्योर, जहाँ पे उन्होंने 2.0 करके तमिल फिल्म बनाई थी। उसके बाद में 2024 में अभी फ़िलहाल में उनकी एक तमिल फिल्म आई थी मिशन चैप्टर 1। और अब हिंदी की बात करें तो हिंदी तो उन्होंने आखिरी में 2016 में टुक टुक टुकिया करके गाने में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। उससे पहले फ्रीकी अली उनकी 2016 में आई थी। उसके बाद करीबन 8 साल के बाद वो किसी एक हिंदी फिल्म में काम कर रही है। तब देखते कि उनका इस फिल्म किस तरह से कैसे क्या किरदार लिखा हुआ है। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो मार्क हैमिल्टन ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग संदीप कुरूप के द्वारा करवाई गई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में विक्रम मोन्ट्रोस के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर विक्रम मोन्ट्रोस का है। सॉन्ग्स है वो मिथुन, तनिष्क बागची, विक्रम मोन्ट्रोस जैसे अलग अलग म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म के साथ उसमें जुड़े हुए। फिल्म में फिलहाल में 3 गाने रिलीज़ किए हुए। अभी ये 3 गाने ऑफिशियली जो रिलीज़ किए गए वो T-Series के चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ पे T-Series वालों ने इस फिल्म के जो गानों के राइट्स है वो एक डिसेंट प्राइस प्राइस में खरीदे हुए, जहां पे उन्होंने इन 3 गानों को रिलीज़ किया हुआ है, जिसमें से एक गाना तो रिक्रिएटेड रोम रोम वाला जो गाना आपको सुनने को मिला हुआ है, वो पहले ही MC स्क्वायर के द्वारा कानफोर्ड करके जो एक शो आता है, जो इंडिया हसल करके जो शो आता है, उसमें उन्होंने वो गाना गाया हुआ था। वो गाना काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और उसके बाद में उन्होंने उसके अलग अलग तरीके से वर्जन भी क्रिएट किए हुए थे और इस फिल्म में भी इस गाने को रखा हुआ है। देखते हैं कि ये गाना किस तरह से किसी फिल्म में यूज़ किया जाएगा। अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो इस फिल्म के एक्टर यानी कि विद्युत जामवाल के ही प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे स्टार्ट की गई थी। वैसे आदित्य दत्त के साथ उन्होंने इससे पहले कमांडो 3 बनाई हुई थी, वो उनकी पहली फिल्म थी दोनों के एक साथ में। ये सेकंड वेंचर आया हुआ है कमांडो 3 के बाद, जहाँ पे विद्युत जामवाल को कहानी के पीछे आदित्य दत्त के द्वारा 2021 के आसपास मिली हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल्स में शूट किया हुआ था। वैसे एक एक्शन फिल्म थी, इस हिसाब से फिल्म की शूटिंग में काफ़ी टाइम लगा हुआ था। इसके चलते इस फिल्म को रैपअप किया था 18 दिसंबर 2023 तक। उसके साथ ही में इस फिल्म के कुछ शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया जा रहा था। वैसे एक्चुअली में इस फिल्म में एक ट्विस्ट और है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले जैकलिन फर्नांडिस होने वाली थी, लेकिन कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इस फिल्म में जैकलिन के जगह नोरा फतेही को लिया हुआ है। इस फिल्म में आपको विद्युत जामवाल देखने को मिलेंगे लीड रोल में, नोरा फतेही उनके अपोजिट कास्ट की गई है। अर्जुन रामपाल इस फिल्म में शायद हो सकता है एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हो। एमी जैक्सन इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी। रुक्मिणी मैत्रा है, वो इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आई है। पूजा सावंत ने भी इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। तो कुछ एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म में अभी फिलहाल में जो कास्ट अनाउंस हुए उसमें काम करते हुए नजर आए। टीजर ट्रेलर में एक्टर्स देखने को मिले हुए। अब देखते हैं कि इनकी तरफ से इस फिल्म में किस तरह से कैसे क्या काम देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का पहला गाना दिल जूम, जिसको रिक्रिएट किया हुआ है 2011 की जो एक एल्बम है जूम करके, जो पाकिस्तानी सिंगर अली फजल के उसमें से रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे जो रिक्रिएट वाला गाना है उसका म्यूजिक कंपोजिशन तनिष्क बागची ने किया हुआ है, गुरप्रीत साइनी ने लिखा हुआ है, विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने उसको गाया हुआ है। जीना हराम गाने को तनिष्क बागची ने लिखा और म्यूजिक दिया हुआ है, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव ने गाया हुआ है। रोम रोम भी रीमेक गाना है, जो MC स्क्वायर का गाना है वही रीयूज़ किया हुआ है, जहाँ पे तनिष्क बागची के साथ उन्होंने MC स्क्वायर ने ही मिलकर म्यूजिक दिया हुआ है और MC स्क्वायर ने लिरिक्स लिखे हुए, MC स्क्वायर के द्वारा ही उसको गवाया गया है। तो ये टोटल 3 ट्रैक है जिसको T-Series के द्वारा रिलीज़ करवाए गए। फिलहाल में सभी गाने आपको T-Series के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। और भी गाने जो आने वाले समय में डेफिनेटली रिलीज़ किए जाएंगे, जहाँ पे इस फिल्म में पहली बार विद्युत जामवाल नोरा फतेही एक साथ पेयर अप करते हुए नजर आए। उनकी जो परफॉर्मेंसेस है, जो टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी नज़र आ रही है। टीजर ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है कि एक भरोसा दे रही है कि फिल्म एक अच्छे एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाली, एक स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से मेकर्स ने पुल अप किया हुआ है। फिल्म का जो इस काइंड ऑफ बजट है उस बजट के अंदर किस तरह से इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है, म्यूजिक का सपोर्ट किस तरह से रहता है, खास करके बैकग्राउंड स्कोर का सपोर्ट कैसा रहता है। फिल्म का रन टाइम, एडिटिंग भी काफ़ी डिपेंड करेगी कि फिल्म की एडिटिंग किस तरह से कैसे क्या है। अगर फिल्म को एक ऑन दी पॉइंट रखा होगा, स्क्रीन प्ले टाइट रहेगा, डेफिनेटली एक्शन फिल्मों में स्क्रीन प्ले टाइट रहता है, देखने का मजा एक और होता है। वैसे इस फिल्म को फर्स्ट एवर एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के तौर पे इंडिया में रिलीज़ के तौर पे बताया जा रहा है। देखते हैं कि उसके साथ कैसा क्या काम रहता है। प्रीमाइस के ऊपर बातचीत करें, बताया जा रहा है कि विद्युत जामवाल मुंबई बेस्ड एक स्लम एरिया में रहने वाले एक लड़के, जहाँ पे उसकी एक जर्नी है वो एक डेंजरस दुनिया की ओर दिखाई गई है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस दिखाए हुए वो डेफिनेटली फिल्म में देखते समय आपको पता चलेंगे। जहाँ पे एक अंडरग्राउंड स्पोर्ट हो रहा है, वो एक डेंजरस दुनिया में वो कदम रखने जा रहे हैं, जहाँ पे एक रोल है अगर आप जीतोगे तो ही जियोगे, तो जो टाइटल है जीतेगा तो ही जिएगा, वही से लिया हुआ है। क्योंकि इस फिल्म में जो स्पोर्ट्स दिखाया है उसमें ऐसा ही कुछ काइंड ऑफ है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको जीतने के लिए या जीने के लिए, दोनों के लिए इस फिल्म में जो पार्टिसिपेंट है उसको सर्वाइव करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि विद्युत जामवाल का जो किरदार है किस तरह से क्या इसमें देखने को मिलता है। डेफिनेटली एक्शन तो काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा विद्युत जामवाल की तरफ से। अब देखते हैं कि उसकी कोरियोग्राफी कैसे क्या है। फिलहाल में टेक्निकली फिल्म अच्छी नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर सॉन्ग से फिल्म की मेकिंग अच्छी नज़र आ रही है, जो एक्टर्स लिए गए वो बढ़िया है। विद्युत जामवाल, नोरा फतेही पहली बार एक दूसरे के अपोजिट कास्ट किए गए, वो एक इंटरेस्टिंग पेयरअप नज़र आ रहा है। इसके अलावा डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि जो फिल्म के हित में अच्छा वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में भी इस फिल्म के जो यूट्यूब पे रिलीज़ किए गए उस पर। तब देखते कि इस सभी चीज़ों के साथ फिल्म किस तरह से क्या बॉक्स ऑफिस पे रन ले पाती है। हाँ, पहले 3 दिन फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन कर लेगी, जो विद्युत जामवाल का स्टारडम है उसके हिसाब से आराम से ये फिल्म थोड़ा बहुत कलेक्शन कर तो लेगी, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा कि फिल्म किस तरह से चलती है। उसके बाद में एक वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को लंबा रन दे सकता है। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो डेफिनेटली 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन ये फिल्म डेफिनेटली कर सकती है। क्रैक फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन 23 फरवरी 2024 को फिल्म डेफिनेटली थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे हिंदी वर्जन में फिल्म रिलीज़ होगी क्रैक नाम के साथ। आप थिएटर में जाके इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म और उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी। तो इस तरह से क्रैक फिल्म रिलीज़ करवाई जाएगी। क्रैक जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है, इसका टैगलाइन है जीतेगा तो जिएगा। अब ये जो जीतेगा तो जिएगा जो कॉन्सेप्ट है वो फिल्म में पूरी तरह से यूज़ किया हुआ है। जो एक स्पोर्ट्स एक्शन गेम मैंने एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म किए हुए तो जो स्पोर्ट है वो उसी टाइप का आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। और इस फिल्म को जो प्रमोट किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म बनने जा रही है इंडिया में। अब वो किस तरह से कैसे क्या दिखाया है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे इससे पहले कुछ फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस क्रैक फिल्म के साथ एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फिल्म के ऊपर पहली बार काम कर रहे। लेकिन कमांडो 3 उन्होंने 2019 में विद्युत जामवाल के साथ बनाई थी, वो भी एक एक्शन फिल्म थी। उससे पहले एक थ्रिलर फिल्म बनाई थी परेश रावल, राजीव खंडेलवाल के साथ, टेबल नंबर 21 जो 2013 में बनी थी। उसके बाद में उससे पहले 2012 में विल यू मैरी मी करके श्रेयस तलपड़े और मुग्धा गोडसे के साथ उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई हुई थी। उससे पहले उन्होंने गुड लक करके फिल्म बनाई हुई थी, वो एक ड्रामा फिल्म थी। 2006 में उनके दिल दिया है फिल्म आई थी इमरान हाशमी, अस्मित पटेल, गीता बसरा के साथ, वो एक थ्रिलर फिल्म थी। 2005 में उन्होंने आशिक बनाया आपने फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की हुई थी, जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी, सोनू सूद और तनुश्री दत्ता को लिया था, वो भी एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। तो उन्होंने अपने करियर में रोमांस, थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन और स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ अलग अलग जोनर की फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि 2024 की जो इनकी क्रैक फिल्म आने वाली है वो किस तरह का कैसा बस क्रिएट कर पाती है। वैसे फिल्म का स्टोरी का आइडिया उनका ही था, उसके ऊपर उनको मदद किए हुए रेहान खान और सरीम मोमिन ने, जहाँ पे डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उनके साथ बैठ के उन्होंने तैयार किए हुए और डायरेक्शन आदित्य दत्त का ही आपको देखने को मिलेगा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे अब्बास सैयद और विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है। इस फिल्म को पेनोरामा स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है, तो एक अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब देखते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू फिल्म को किस तरह से किसी क्या रिलीज़ मिलती है। वैसे आसपास में कोई बड़ी फिल्म तो है नहीं, तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिलीज़ तो फिल्म को मिलने ही वाली है। अब देखते हैं कि इस रिलीज़ के साथ ये फिल्म किस तरह से किसी क्या कमाल करती है। इस फिल्म के ऊपर थोड़ी बहुत और चर्चा करें तो फिल्म की कास्टिंग में आपको विद्युत जामवाल, नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल, एमी जैक्सन जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले, जहाँ पे एमी जैक्सन काफ़ी सारी फिल्मों के बाद इस फिल्म में कमबैक करती हुई नजर आएगी, जहाँ पे काफ़ी सालों के बाद उन्होंने कमबैक किया हुआ है। आखिरी जो उनकी फिल्म आई थी वो 2018 में थी, वो भी एक कन्नड़ा और तमिल फिल्म थी प्योर, जहाँ पे उन्होंने 2.0 करके तमिल फिल्म बनाई थी। उसके बाद में 2024 में अभी फ़िलहाल में उनकी एक तमिल फिल्म आई थी मिशन चैप्टर 1। और अब हिंदी की बात करें तो हिंदी तो उन्होंने आखिरी में 2016 में टुक टुक टुकिया करके गाने में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। उससे पहले फ्रीकी अली उनकी 2016 में आई थी, उसके बाद करीबन 8 साल के बाद वो किसी एक हिंदी फिल्म में काम कर रही है। तब देखते कि उनका इस फिल्म किस तरह से कैसे क्या किरदार लिखा हुआ है। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो मार्क हैमिल्टन ने करी हुई है। फिल्म की एडिटिंग संदीप कुरूप के द्वारा करवाई गई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में विक्रम मोन्ट्रोसे के द्वारा। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर विक्रम मोन्ट्रोसे का है। सॉन्ग्स है वो मिथुन, तनिष्क बागची, विक्रम मोन्ट्रोसे जैसे अलग अलग म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म के साथ उसमें जुड़े हुए। फिल्म में फिलहाल में 3 गाने रिलीज़ किए हुए। अभी ये 3 गाने ऑफिशियली जो रिलीज़ किए गए वो टी सीरीज़ के चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ पे टी सीरीज़ वालों ने इस फिल्म के जो गानों के राइट्स है वो एक डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए, जहाँ पे उन्होंने इन 3 गानों को रिलीज़ किया हुआ है। जिसमें से एक गाना तो रिक्रिएटेड रोम रोम वाला जो गाना आपको सुनने को मिला हुआ है वो पहले ही MC स्क्वेयर के द्वारा कानफोर्ड करके जो एक शो आता है, जो इंडिया हसल करके जो शो आता है, उसमें उन्होंने वो गाना गाया हुआ था। वो गाना काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और उसके बाद में उन्होंने उसके अलग अलग तरीके से वर्जन भी क्रिएट किए हुए थे और इस फिल्म में भी इस गाने को रखा हुआ है। देखते हैं कि ये गाना किस तरह से किसी फिल्म में यूज़ किया जाएगा। अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो इस फिल्म के एक्टर यानी कि विद्युत जामवाल के ही प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे स्टार्ट की गई थी। वैसे आदित्य दत्त के साथ उन्होंने इससे पहले कमांडो 3 बनाई हुई थी, वो उनकी पहली फिल्म थी दोनों के एक साथ में। ये सेकंड वेंचर आया हुआ है कमांडो 3 के बाद, जहाँ पे विद्युत जामवाल को कहानी के पीछे आदित्य दत्त के द्वारा 2021 के आसपास मिली हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल्स में शूट किया हुआ था। वैसे एक एक्शन फिल्म थी, इस हिसाब से फिल्म की शूटिंग में काफ़ी टाइम लगा हुआ था। इसके चलते इस फिल्म को रैपअप किया था 18 दिसंबर 2023 तक। उसके साथ ही में इस फिल्म के कुछ शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया जा रहा था। वैसे एक्चुअली में इस फिल्म में एक ट्विस्ट और है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले जैकलिन फर्नांडिस होने वाली थी, लेकिन कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इस फिल्म में जैकलिन के जगह नोरा फतेही को लिया हुआ है। इस फिल्म में आपको विद्युत जामवाल देखने को मिलेंगे लीड रोल में, नोरा फतेही उनके अपोजिट कास्ट की गई है। अर्जुन रामपाल इस फिल्म में शायद हो सकता है एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हो। एमी जैक्सन इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी। रुक्मिणी मैत्रा है वो इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आई है। पूजा सावंत ने भी इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। तो कुछ एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म में अभी फिलहाल में जो कास्ट अनाउंस हुए उसमें काम करते हुए नजर आए। टीजर ट्रेलर में एक्टर्स देखने को मिले हुए। अब देखते हैं कि इनकी तरफ से इस फिल्म में किस तरह से कैसे क्या काम देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का पहला गाना दिलजूम, जिसको रिक्रिएट किया हुआ 2011 की जो एक एल्बम है जूम करके, जो पाकिस्तानी सिंगर अली फजल के उसमें से रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे जो रिक्रिएट वाला गाना है उसका म्यूजिक कंपोजिशन तनिष्क बागची ने किया हुआ है, गुरप्रीत साइनी ने लिखा हुआ है, विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने उसको गाया हुआ है। जीना हराम गाने को तनिष्क बागची ने लिखा और म्यूजिक दिया हुआ है, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव ने गाया हुआ है। रोम रोम भी रीमेक गाना है, जो MC स्क्वेयर का गाना है वही रीयूज़ किया हुआ है, जहाँ पे तनिष्क बागची के साथ उन्होंने MC स्क्वेयर ने ही मिलकर म्यूजिक दिया हुआ है और MC स्क्वेयर ने लिरिक्स लिखे हुए, MC स्क्वेयर के द्वारा ही उसको गवाया गया है। तो ये टोटल 3 ट्रैक है जिसको T-Series के द्वारा रिलीज़ करवाए गए। फिलहाल में सभी गाने आपको T-Series के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। और भी गाने जो आने वाले समय में डेफिनेटली रिलीज़ किए जाएंगे, जहाँ पे इस फिल्म में पहली बार विद्युत जामवाल नोरा फतेही एक साथ पेयर अप करते हुए नजर आए। उनके जो परफॉर्मेंसेस है, जो टीज़र ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी नज़र आ रही है। टीज़र ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है कि एक भरोसा दे रही है कि फिल्म एक अच्छे एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाली, एक स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से मेकर्स ने पुल अप किया हुआ है। फिल्म का जो इस काइंड ऑफ बजट है उस बजट के अंदर किस तरह से इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है, म्यूजिक का सपोर्ट किस तरह से रहता है, खास करके बैकग्राउंड स्कोर का सपोर्ट कैसा रहता है। फिल्म का रन टाइम एडिटिंग भी काफ़ी डिपेंड करेगी कि फिल्म की एडिटिंग किस तरह से कैसे क्या है। अगर फिल्म को एक ऑन दी पॉइंट रखा होगा, स्क्रीन प्ले टाइट रहेगा, डेफिनेटली एक्शन फिल्मों में स्क्रीन प्ले टाइट रहता है, देखने का मजा एक और होता है। वैसे इस फिल्म को फर्स्ट एवर एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के तौर पे इंडिया में रिलीज़ के तौर पे बताया जा रहा है। देखते हैं कि उसके साथ कैसा क्या काम रहता है। प्रीमाइस के ऊपर बातचीत करें बताया जा रहा है कि विद्युत जामवाल मुंबई बेस्ड एक स्लम एरिया में रहने वाले एक लड़के, जहाँ पे उसकी एक जर्नी है वो एक डेंजरस दुनिया की ओर दिखाई गई है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस दिखाए हुए वो डेफिनेटली फिल्म में देखते समय आपको पता चलेंगे, जहाँ पे एक अंडरग्राउंड स्पोर्ट हो रहा है, वो एक डेंजरस दुनिया में वो कदम रखने जा रहे हैं, जहाँ पे एक रोल है अगर आप जीतोगे तो ही जियोगे, तो जो टाइटल है जीतेगा तो ही जिएगा, वही से लिया हुआ है। क्योंकि इस फिल्म में जो स्पोर्ट्स दिखाया उसमें ऐसा ही कुछ काइंड ऑफ है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको जीतने के लिए या जीने के लिए, दोनों के लिए इस फिल्म में जो पार्टिसिपेंट है उसको सरवाइव करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि विद्युत जामवाल का जो किरदार है किस तरह से क्या इसमें देखने को मिलता है। डेफिनेटली एक्शन तो काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा विद्युत जामवाल की तरफ से। अब देखते हैं कि उसकी कोरियोग्राफी कैसे क्या है। फिलहाल में टेक्निकली फिल्म अच्छी नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर सॉन्ग से फिल्म की मेकिंग अच्छी नज़र आ रही है, जो एक्टर्स लिए गए वो बढ़िया है। विद्युत जामवाल, नोरा फतेही पहली बार एक दूसरे के अपोजिट कास्ट किए गए, वो एक इंटरेस्टिंग पेयरअप नज़र आ रहा है। इसके अलावा डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि जो फिल्म के हित में अच्छा वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में भी, इस फिल्म के जो यूट्यूब पे रिलीज़ किए गए उस पर। तब देखते हैं कि इस सभी चीज़ों के साथ फिल्म किस तरह से क्या बॉक्स ऑफिस पे रन ले पाती है। हाँ, पहले 3 दिन फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन कर लेगी, जो विद्युत जामवाल का स्टारडम है उसके हिसाब से आराम से ये फिल्म थोड़ा बहुत कलेक्शन कर तो लेगी, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा कि फिल्म किस तरह से चलती है। उसके बाद में एक वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को लंबा रन दे सकता है। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो डेफिनेटली 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन ये फिल्म डेफिनेटली कर सकती है। क्रैक फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन 23 फरवरी 2024 को फिल्म डेफिनेटली थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे हिंदी वर्जन में फिल्म रिलीज़ होगी क्रैक नाम के साथ। आप थिएटर में जाके इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म और उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी। तो इस तरह से क्रैक फिल्म रिलीज़ करवाई जाएगी। क्रैक जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है, इसका टैगलाइन है जीतेगा तो जिएगा। अब ये जो जीतेगा तो जिएगा जो कॉन्सेप्ट है वो फिल्म में पूरी तरह से यूज़ किया हुआ है। जो एक स्पोर्ट्स एक्शन गेम मैंने एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म किए हुए, तो जो स्पोर्ट है वो उसी टाइप का आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। और इस फिल्म को जो प्रमोट किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म बनने जा रही है इंडिया में। अब वो किस तरह से कैसे क्या दिखाया है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे इससे पहले कुछ फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस क्रैक फिल्म के साथ एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फिल्म के ऊपर पहली बार काम करे। लेकिन कमांडो 3 उन्होंने 2019 में विद्युत जामवाल के साथ बनाई थी, वो भी एक एक्शन फिल्म थी। उससे पहले एक थ्रिलर फिल्म बनाई थी परेश रावल, राजीव खंडेलवाल के साथ, टेबल नंबर 21 जो 2013 में बनी थी। उसके बाद में उससे पहले 2012 में विल्यू मेरी मी करके श्रेयस तलपड़े और मुग्धा गोडसे के साथ उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई हुई थी। उससे पहले उन्होंने गुड लक करके फिल्म बनाई हुई थी, वो एक ड्रामा फिल्म थी। 2006 में उनके दिल दिया है फिल्म आई थी इमरान हाशमी, अस्मित पटेल, गीता बसरा के साथ, वो एक थ्रिलर फिल्म थी। 2005 में उन्होंने आशिक बनाया आपने फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की हुई थी, जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी, सोनू सूद और तनुश्री दत्ता को लिया था, वो भी एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। तो उन्होंने अपने करियर में रोमांस, थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन और स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ अलग अलग जोनर की फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि 2024 की जो इनकी क्रैक फिल्म आने वाली है वो किस तरह का कैसा बस क्रिएट कर पाती है। वैसे फिल्म का स्टोरी का आइडिया उनका ही था, उसके ऊपर उनको मदद किए हुए रेहान खान और सरीम मोमिन ने, जहाँ पे डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उनके साथ बैठ के उन्होंने तैयार किए हुए और डायरेक्शन आदित्य दत्त का ही आपको देखने को मिलेगा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे अब्बास सैयद और विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है। इस फिल्म को पेनोरामा स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है, तो एक अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब देखते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू फिल्म को किस तरह से किसी क्या रिलीज़ मिलती है। वैसे आसपास में कोई बड़ी फिल्म तो है नहीं, तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिलीज़ तो फिल्म को मिलने ही वाली है। अब देखते हैं कि इस रिलीज़ के साथ ये फिल्म किस तरह से किसी क्या कमाल करती है। इस फिल्म के ऊपर थोड़ी बहुत और चर्चा करें तो फिल्म की कास्टिंग में आपको विद्युत जामवाल, नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल, एमी जैक्सन जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले, जहाँ पे एमी जैक्सन काफ़ी सारी फिल्मों के बाद इस फिल्म में कमबैक करती हुई नजर आएगी, जहाँ पे काफ़ी सालों के बाद उन्होंने कमबैक किया हुआ है। आखिरी जो उनकी फिल्म आई थी वो 2018 में थी, वो भी एक कन्नड़ा और तमिल फिल्म थी प्योर, जहाँ पे उन्होंने 2.0 करके तमिल फिल्म बनाई थी। उसके बाद में 2024 में अभी फ़िलहाल में उनकी एक तमिल फिल्म आई थी मिशन चैप्टर 1। और अब हिंदी की बात करें तो हिंदी तो उन्होंने आखिरी में 2016 में टुक टुक टुकिया करके गाने में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। उससे पहले फ्रीकी अली उनकी 2016 में आई थी। उसके बाद करीबन 8 साल के बाद वो किसी एक हिंदी फिल्म में काम कर रही है। तब देखते कि उनका इस फिल्म किस तरह से कैसे क्या किरदार लिखा हुआ है। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो मार्क हैमिल्टन ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग संदीप कुरूप के द्वारा करवाई गई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में विक्रम मोन्ट्रोसे के द्वारा। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर विक्रम मोन्ट्रोसे का है। सॉन्ग्स है वो मिथुन, तनिष्क बागची, विक्रम मोन्ट्रोसे जैसे अलग अलग म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म के साथ उसमें जुड़े हुए। फिल्म में फिलहाल में 3 गाने रिलीज किए हुए। अभी ये 3 गाने ऑफिशियली जो रिलीज किए गए वो टी सीरीज के चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ पे टी सीरीज वालों ने इस फिल्म के जो गानों के राइट्स है वो एक डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए, जहाँ पे उन्होंने इन 3 गानों को रिलीज किया हुआ है। जिसमें से एक गाना तो रिक्रिएटेड रोम रोम वाला जो गाना आपको सुनने को मिला हुआ है वो पहले ही MC स्क्वेयर के द्वारा कानफोर्ड करके जो एक शो आता है, जो इंडिया हसल करके जो शो आता है, उसमें उन्होंने वो गाना गाया हुआ था। वो गाना काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और उसके बाद में उन्होंने उसके अलग अलग तरीके से वर्जन भी क्रिएट किए हुए थे और इस फिल्म में भी इस गाने को रखा हुआ है। देखते हैं कि ये गाना किस तरह से किसी फिल्म में यूज़ किया जाएगा। अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो इस फिल्म के एक्टर यानी कि विद्युत जामवाल के ही प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे स्टार्ट की गई थी। वैसे आदित्य दत्त के साथ उन्होंने इससे पहले कमांडो 3 बनाई हुई थी, वो उनकी पहली फिल्म थी दोनों के एक साथ में। ये सेकंड वेंचर आया हुआ है कमांडो 3 के बाद, जहाँ पे विद्युत जामवाल को कहानी के पीछे आदित्य दत्त के द्वारा 2021 के आसपास मिली हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल्स में शूट किया हुआ था। वैसे एक एक्शन फिल्म थी, इस हिसाब से फिल्म की शूटिंग में काफ़ी टाइम लगा हुआ था। इसके चलते इस फिल्म को रैपअप किया था 18 दिसंबर 2023 तक। उसके साथ ही में इस फिल्म के कुछ शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया जा रहा था। वैसे एक्चुअली में इस फिल्म में एक ट्विस्ट और है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले जैकलिन फर्नांडिस होने वाली थी, लेकिन कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इस फिल्म में जैकलिन के जगह नोरा फतेही को लिया हुआ है। इस फिल्म में आपको विद्युत जामवाल देखने को मिलेंगे लीड रोल में, नोरा फतेही उनके अपोजिट कास्ट की गई है। अर्जुन रामपाल इस फिल्म में शायद हो सकता है एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हो। एमी जैक्सन इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी। रुक्मिणी मैत्रा है वो इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आई है। पूजा सावंत ने भी इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। तो कुछ एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म में अभी फिलहाल में जो कास्ट अनाउंस हुए उसमें काम करते हुए नजर आए। टीजर ट्रेलर में एक्टर्स देखने को मिले हुए। अब देखते हैं कि इनकी तरफ से इस फिल्म में किस तरह से कैसे क्या काम देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का पहला गाना दिलजूम, जिसको रिक्रिएट किया हुआ है 2011 की जो एक एल्बम है जूम करके, जो पाकिस्तानी सिंगर अली फजल के उसमें से रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे जो रिक्रिएट वाला गाना है उसका म्यूजिक कंपोजिशन तनिष्क बागची ने किया हुआ है, गुरप्रीत साइनी ने लिखा हुआ है, विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने उसको गाया हुआ है। जीना हराम गाने को तनिष्क बागची ने लिखा और म्यूजिक दिया हुआ है, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव ने गाया हुआ है। रोम रोम भी रीमेक गाना है, जो MC स्क्वेयर का गाना है वही रीयूज़ किया हुआ है, जहाँ पे तनिष्क बागची के साथ उन्होंने MC स्क्वेयर ने ही मिलकर म्यूजिक दिया हुआ है और MC स्क्वेयर ने लिरिक्स लिखे हुए, MC स्क्वेयर के द्वारा ही उसको गवाया गया है। तो ये टोटल 3 ट्रैक है जिसको T-Series के द्वारा रिलीज़ करवाए गए। फिलहाल में सभी गाने आपको T-Series के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। और भी गाने जो आने वाले समय में डेफिनेटली रिलीज़ किए जाएंगे, जहाँ पे इस फिल्म में पहली बार विद्युत जामवाल नोरा फतेही एक साथ पेयर अप करते हुए नजर आए। उनके जो परफॉर्मेंसेस है, जो टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी नज़र आ रही है। टीजर ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है कि एक भरोसा दे रही है कि फिल्म एक अच्छे एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले, एक स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से मेकर्स ने पुल अप किया हुआ है। फिल्म का जो इस काइंड ऑफ बजट है उस बजट के अंदर किस तरह से इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है, म्यूजिक का सपोर्ट किस तरह से रहता है, खास करके बैकग्राउंड स्कोर का सपोर्ट कैसा रहता है। फिल्म का रन टाइम एडिटिंग भी काफ़ी डिपेंड करेगी कि फिल्म की एडिटिंग किस तरह से कैसे क्या है। अगर फिल्म को एक ऑन दी पॉइंट रखा होगा, स्क्रीन प्ले टाइट रहेगा, डेफिनेटली एक्शन फिल्मों में स्क्रीन प्ले टाइट रहता है, देखने का मजा एक और होता है। वैसे इस फिल्म को फर्स्ट एवर एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के तौर पे इंडिया में रिलीज़ के तौर पे बताया जा रहा है। देखते हैं कि उसके साथ कैसा क्या काम रहता है। प्रीमाइस के ऊपर बातचीत करें, बताया जा रहा है कि विद्युत जामवाल मुंबई बेस्ड एक स्लम एरिया में रहने वाले एक लड़के, जहाँ पे उसकी एक जर्नी है वो एक डेंजरस दुनिया की ओर दिखाई गई है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस दिखाए हुए वो डेफिनेटली फिल्म में देखते समय आपको पता चलेंगे, जहाँ पे एक अंडरग्राउंड स्पोर्ट हो रहा है, वो एक डेंजरस दुनिया में वो कदम रखने जा रहे हैं, जहाँ पे एक रोल है अगर आप जीतोगे तो ही जियोगे, तो जो टाइटल है जीतेगा तो ही जिएगा वही से लिया हुआ है, क्योंकि इस फिल्म में जो स्पोर्ट्स दिखाया उसमें ऐसा ही कुछ काइंड ऑफ है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको जीतने के लिए या जीने के लिए, दोनों के लिए इस फिल्म में जो पार्टिसिपेंट है उसको सरवाइव करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि विद्युत जामवाल का जो किरदार है किस तरह से क्या इसमें देखने को मिलता है। डेफिनेटली एक्शन तो काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा विद्युत जामवाल की तरफ से। अब देखते हैं कि उसकी कोरियोग्राफी कैसे क्या है। फिलहाल में टेक्निकली फिल्म अच्छी नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर सॉन्ग से फिल्म की मेकिंग अच्छी नज़र आ रही है, जो एक्टर्स लिए गए वो बढ़िया है। विद्युत जामवाल, नोरा फतेही पहली बार एक दूसरे के अपोजिट कास्ट किए गए, वो एक इंटरेस्टिंग पेयरअप नज़र आ रहा है। इसके अलावा डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि जो फिल्म के हित में अच्छा वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में भी, इस फिल्म के जो यूट्यूब पे रिलीज़ किए गए उस पर। तब देखते हैं कि इस सभी चीज़ों के साथ फिल्म किस तरह से क्या बॉक्स ऑफिस पे रन ले पाती है। हाँ, पहले 3 दिन फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन कर लेगी, जो विद्युत जामवाल का स्टारडम है उसके हिसाब से आराम से ये फिल्म थोड़ा बहुत कलेक्शन कर तो लेगी, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा कि फिल्म किस तरह से चलती है। उसके बाद में एक वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को लंबा रन दे सकता है। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो डेफिनेटली 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन ये फिल्म डेफिनेटली कर सकती है। क्रैक फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन 23 फरवरी 2024 को फिल्म डेफिनेटली थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पर हिंदी वर्जन में फिल्म रिलीज़ होगी क्रैक नाम के साथ। आप थिएटर में जाके इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म और उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी। तो इस तरह से क्रैक फिल्म रिलीज़ करवाई जाएगी। क्रैक जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है, इसका टैगलाइन है जीतेगा तो जिएगा। अब ये जो जीतेगा तो जिएगा जो कॉन्सेप्ट है वो फिल्म में पूरी तरह से यूज़ किया हुआ है। जो एक स्पोर्ट्स एक्शन गेम मैंने एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म किए हुए, तो जो स्पोर्ट है वो उसी टाइप का आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। और इस फिल्म को जो प्रमोट किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म बनने जा रही है इंडिया में। अब वो किस तरह से कैसे क्या दिखाया है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे इससे पहले कुछ फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस क्रैक फिल्म के साथ एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फिल्म के ऊपर पहली बार काम कर रहे। लेकिन कमांडो 3 उन्होंने 2019 में विद्युत जामवाल के साथ बनाई थी, वो भी एक एक्शन फिल्म थी। उससे पहले एक थ्रिलर फिल्म बनाई थी परेश रावल, राजीव खंडेलवाल के साथ, टेबल नंबर 21 जो 2013 में बनी थी। उसके बाद में उससे पहले 2012 में विल यू मैरी मी करके श्रेयस तलपड़े और मुग्धा गोडसे के साथ उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई हुई थी। उससे पहले उन्होंने गुड लक करके फिल्म बनाई हुई थी, वो एक ड्रामा फिल्म थी। 2006 में उनके दिल दिया है फिल्म आई थी इमरान हाशमी, अस्मित पटेल, गीता बसरा के साथ, वो एक थ्रिलर फिल्म थी। 2005 में उन्होंने आशिक बनाया आपने फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की हुई थी, जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी, सोनू सूद और तनुश्री दत्ता को लिया था, वो भी एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। तो उन्होंने अपने करियर में रोमांस, थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन और स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ अलग अलग जोनर की फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि 2024 की जो इनकी क्रैक फिल्म आने वाली है वो किस तरह का कैसा बस क्रिएट कर पाती है। वैसे फिल्म का स्टोरी का आइडिया उनका ही था, उसके ऊपर उनको मदद किए हुए रेहान खान और सरीम मोमिन ने, जहाँ पे डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उनके साथ बैठ के उन्होंने तैयार किए हुए और डायरेक्शन आदित्य दत्त का ही आपको देखने को मिलेगा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे अब्बास सैयद और विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है। इस फिल्म को पेनोरामा स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है, तो एक अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब देखते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू फिल्म को किस तरह से किसी क्या रिलीज़ मिलती है। वैसे आसपास में कोई बड़ी फिल्म तो है नहीं, तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिलीज़ तो फिल्म को मिलने ही वाली है। अब देखते हैं कि इस रिलीज़ के साथ ये फिल्म किस तरह से किसी क्या कमाल करती है। इस फिल्म के ऊपर थोड़ी बहुत और चर्चा करें तो फिल्म की कास्टिंग में आपको विद्युत जामवाल, नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल, एमी जैक्सन जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले, जहां पे एमी जैक्सन काफ़ी सारी फिल्मों के बाद इस फिल्म में कमबैक करती हुई नजर आएगी, जहां पे काफ़ी सालों के बाद उन्होंने कमबैक किया हुआ है। आखिरी जो उनकी फिल्म आई थी वो 2018 में थी, वो भी एक कन्नड़ा और तमिल फिल्म थी प्योर, जहाँ पे उन्होंने 2.0 करके तमिल फिल्म बनाई थी। उसके बाद में 2024 में अभी फ़िलहाल में उनकी एक तमिल फिल्म आई थी मिशन चैप्टर 1। और अब हिंदी की बात करें तो हिंदी तो उन्होंने आखिरी में 2016 में टुक टुक टुकिया करके गाने में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। उससे पहले फ्रीकी अली उनकी 16 में आई थी। उसके बाद करीबन 8 साल के बाद वो किसी एक हिंदी फिल्म में काम कर रही है। तब देखते कि उनका इस फिल्म किस तरह से कैसे क्या किरदार लिखा हुआ है। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो मार्क हैमिल्टन ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग संदीप कुरूप के द्वारा करवाई गई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में विक्रम मोन्ट्रोसे के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर विक्रम मोन्ट्रोसे का है। सॉन्ग्स है वो मिथुन, तनिष्क बागची, विक्रम मोन्ट्रोसे जैसे अलग अलग म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म के साथ उसमें जुड़े हुए। फिल्म में फिलहाल में 3 गाने रिलीज किए हुए। अभी ये 3 गाने ऑफिशियली जो रिलीज किए गए वो टी सीरीज के चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ पे टी सीरीज वालों ने इस फिल्म के जो गानों के राइट्स है वो एक डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए, जहाँ पे उन्होंने इन 3 गानों को रिलीज किया हुआ है। जिसमें से एक गाना तो रिक्रिएटेड रोम रोम वाला जो गाना आपको सुनने को मिला हुआ है वो पहले ही MC स्क्वेयर के द्वारा कानफोर्ड करके जो एक शो आता है, जो इंडिया हसल करके जो शो आता है, उसमें उन्होंने वो गाना गाया हुआ था। वो गाना काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और उसके बाद में उन्होंने उसके अलग अलग तरीके से वर्जन भी क्रिएट किए हुए थे और इस फिल्म में भी इस गाने को रखा हुआ है। देखते हैं कि ये गाना किस तरह से किसी फिल्म में यूज़ किया जाएगा। अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो इस फिल्म के एक्टर यानी कि विद्युत जामवाल के ही प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे स्टार्ट की गई थी। वैसे आदित्य दत्त के साथ उन्होंने इससे पहले कमांडो 3 बनाई हुई थी, वो उनकी पहली फिल्म थी दोनों के एक साथ में। ये सेकंड वेंचर आया हुआ है कमांडो 3 के बाद, जहाँ पे विद्युत जामवाल को कहानी के पीछे आदित्य दत्त के द्वारा 2021 के आसपास मिली हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल्स में शूट किया हुआ था। वैसे एक एक्शन फिल्म थी, इस हिसाब से फिल्म की शूटिंग में काफ़ी टाइम लगा हुआ था। इसके चलते इस फिल्म को रैपअप किया था 18 दिसंबर 2023 तक। उसके साथ ही में इस फिल्म के कुछ शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया जा रहा था। वैसे एक्चुअली में इस फिल्म में एक ट्विस्ट और है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले जैकलिन फर्नांडिस होने वाली थी, लेकिन कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इस फिल्म में जैकलिन के जगह नोरा फतेही को लिया हुआ है। इस फिल्म में आपको विद्युत जामवाल देखने को मिलेंगे लीड रोल में, नोरा फतेही उनके अपोजिट कास्ट की गई है। अर्जुन रामपाल इस फिल्म में शायद हो सकता है एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हो। एमी जैक्सन इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी। रुक्मिणी मैत्रा है वो इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आई है। पूजा सावंत ने भी इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। तो कुछ एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म में अभी फिलहाल में जो कास्ट अनाउंस हुए उसमें काम करते हुए नजर आए। टीजर ट्रेलर में एक्टर्स देखने को मिले हुए। अब देखते हैं कि इनकी तरफ से इस फिल्म में किस तरह से किसे क्या काम देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का पहला गाना दिलजूम, जिसको रिक्रिएट किया हुआ है 2011 की जो एक एल्बम है जूम करके, जो पाकिस्तानी सिंगर अली फजल के उसमें से रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे जो रिक्रिएट वाला गाना है उसका म्यूजिक कंपोजिशन तनिष्क बागची ने किया हुआ है, गुरप्रीत साइनी ने लिखा हुआ है, विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने उसको गाया हुआ है। जीना हराम गाने को तनिष्क बागची ने लिखा और म्यूजिक दिया हुआ है, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव ने गाया हुआ है। रोम रोम भी रीमेक गाना है, जो MC स्क्वेयर का गाना है वही रीयूज़ किया हुआ है, जहाँ पे तनिष्क बागची के साथ उन्होंने MC स्क्वेयर ने ही मिलकर म्यूजिक दिया हुआ है और MC स्क्वेयर ने लिरिक्स लिखे हुए, MC स्क्वेयर के द्वारा ही उसको गवाया गया है। तो ये टोटल 3 ट्रैक है जिसको T-Series के द्वारा रिलीज़ करवाए गए। फिलहाल में सभी गाने आपको T-Series के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। और भी गाने जो आने वाले समय में डेफिनेटली रिलीज़ किए जाएंगे, जहाँ पे इस फिल्म में पहली बार विद्युत जामवाल नोरा फतेही एक साथ पेयर अप करते हुए नजर आए। उनके जो परफॉर्मेंसेस है, जो टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी नज़र आ रही है। टीजर ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है कि एक भरोसा दे रही है कि फिल्म एक अच्छे एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाली, एक स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से मेकर्स ने पुल अप किया हुआ है। फिल्म का जो इस काइंड ऑफ बजट है उस बजट के अंदर किस तरह से इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है, म्यूजिक का सपोर्ट किस तरह से रहता है, खास करके बैकग्राउंड स्कोर का सपोर्ट कैसा रहता है। फिल्म का रन टाइम एडिटिंग भी काफ़ी डिपेंड करेगी कि फिल्म की एडिटिंग किस तरह से कैसे क्या है। अगर फिल्म को एक ऑन दी पॉइंट रखा होगा, स्क्रीन प्ले टाइट रहेगा, डेफिनेटली एक्शन फिल्मों में स्क्रीन प्ले टाइट रहता है, देखने का मजा एक और होता है। वैसे इस फिल्म को फर्स्ट एवर एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के तौर पे इंडिया में रिलीज़ के तौर पे बताया जा रहा है। देखते हैं कि उसके साथ कैसा क्या काम रहता है। प्रीमाइस के ऊपर बातचीत करें तो बताया जा रहा है कि विद्युत जामवाल मुंबई बेस्ड एक स्लम एरिया में रहने वाले एक लड़के, जहाँ पे उसकी एक जर्नी है वो एक डेंजरस दुनिया की ओर दिखाई गई है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस दिखाए हुए वो डेफिनेटली फिल्म में देखते समय आपको पता चलेंगे, जहाँ पे एक अंडरग्राउंड स्पोर्ट हो रहा है, वो एक डेंजरस दुनिया में वो कदम रखने जा रहे हैं, जहाँ पे एक रोल है अगर आप जीतोगे तो ही जियोगे, तो जो टाइटल है जीतेगा तो ही जिएगा वही से लिया हुआ है, क्योंकि इस फिल्म में जो स्पोर्ट्स दिखाया उसमें ऐसा ही कुछ काइंड ऑफ है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको जीतने के लिए या जीने के लिए, दोनों के लिए इस फिल्म में जो पार्टिसिपेंट है उसको सर्वाइव करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि विद्युत जामवाल का जो किरदार है किस तरह से क्या इसमें देखने को मिलता है। डेफिनेटली एक्शन तो काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा विद्युत जामवाल की तरफ से। अब देखते हैं कि उसकी कोरियोग्राफी कैसे क्या है। फिलहाल में टेक्निकली फिल्म अच्छी नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर सॉन्ग से फिल्म की मेकिंग अच्छी नज़र आ रही है, जो एक्टर्स लिए गए वो बढ़िया है। विद्युत जामवाल, नोरा फतेही पहली बार एक दूसरे के अपोजिट कास्ट किए गए, वो एक इंटरेस्टिंग पेयरअप नज़र आ रहा है। इसके अलावा डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि जो फिल्म के हित में अच्छा वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में भी, इस फिल्म के जो यूट्यूब पे रिलीज़ किए गए उस पर। तब देखते कि इस सभी चीज़ों के साथ फिल्म किस तरह से क्या बॉक्स ऑफिस पे रन ले पाती। हाँ, पहले 3 दिन फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन कर लेगी, जो विद्युत जामवाल का स्टारडम है उसके हिसाब से आराम से ये फिल्म थोड़ा बहुत कलेक्शन कर तो लेगी, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा कि फिल्म किस तरह से चलती है। उसके बाद में एक वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को लंबा रन दे सकता है। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो डेफिनेटली 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन है फिल्म डेफिनेटली कर सकती है। क्रैक फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन 23 फरवरी 2024 को फिल्म डेफिनेटली थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे हिंदी वर्जन में फिल्म रिलीज़ होगी क्रैक नाम के साथ। आप थिएटर में जाके इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म और उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी। तो इस तरह से क्रैक फिल्म रिलीज़ करवाई जाएगी। क्रैक जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है। इसका टैगलाइन है जीतेगा तो जिएगा। अब ये जो जीतेगा तो जिएगा जो कॉन्सेप्ट है वो फिल्म में पूरी तरह से यूज़ किया हुआ है। जो एक स्पोर्ट्स एक्शन गेम मैंने एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म किए हुए तो जो स्पोर्ट है वो उसी टाइप का आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। और इस फिल्म को जो प्रमोट किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म बनने जा रही है इंडिया में। अब वो किस तरह से कैसे क्या दिखाया है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे इससे पहले कुछ फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस क्रैक फिल्म के साथ एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फिल्म के ऊपर पहली बार काम कर रहे। लेकिन कमांडो 3 उन्होंने 2019 में विद्युत जामवाल के साथ बनाई थी, वो भी एक एक्शन फिल्म थी। उससे पहले एक थ्रिलर फिल्म बनाई थी परेश रावल, राजीव खंडेलवाल के साथ, टेबल नंबर 21 जो 2013 में बनी थी। उसके बाद में उससे पहले 2012 में विल्यू मेरी मी करके श्रेयस तलपड़े और मुग्धा गोडसे के साथ उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई हुई थी। उससे पहले उन्होंने गुड लक करके फिल्म बनाई हुई थी, वो एक ड्रामा फिल्म थी। 2006 में उनके दिल दिया है फिल्म आई थी इमरान हाशमी, अस्मित पटेल, गीता बसरा के साथ, वो एक थ्रिलर फिल्म थी। 2005 में उन्होंने आशिक बनाया आपने फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की हुई थी, जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी, सोनू सूद और तनुश्री दत्ता को लिया था, वो भी एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। तो उन्होंने अपने करियर में रोमांस, थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन और स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ अलग अलग जोनर की फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि 2024 की जो इनकी क्रैक फिल्म आने वाली है वो किस तरह का कैसा बस क्रिएट कर पाती है। वैसे फिल्म का स्टोरी का आइडिया उनका ही था, उसके ऊपर उनको मदद किए हुए रेहान खान और सरीम मोमिन ने, जहाँ पे डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उनके साथ बैठ के उन्होंने तैयार किए हुए और डायरेक्शन आदित्य दत्त का ही आपको देखने को मिलेगा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे अब्बास सैयद और विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है। इस फिल्म को पेनोरामा स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है, तो एक अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब देखते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू फिल्म को किस तरह से किसी क्या रिलीज़ मिलती है। वैसे आसपास में कोई बड़ी फिल्म तो है नहीं, तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिलीज़ तो फिल्म को मिलने ही वाली है। अब देखते हैं कि इस रिलीज़ के साथ ये फिल्म किस तरह से किसी क्या कमाल करती है। इस फिल्म के ऊपर थोड़ी बहुत और चर्चा करें तो फिल्म की कास्टिंग में आपको विद्युत जामवाल, नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल, एमी जैक्सन जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले, जहां पे एमी जैक्सन काफ़ी सारी फिल्मों के बाद इस फिल्म में कमबैक करती हुई नजर आएगी, जहां पे काफ़ी सालों के बाद उन्होंने कमबैक किया हुआ है। आखिरी जो उनकी फिल्म आई थी वो 2018 में थी, वो भी एक कन्नड़ा और तमिल फिल्म थी प्योर, जहाँ पे उन्होंने 2.0 करके तमिल फिल्म बनाई थी। उसके बाद में 2024 में अभी फ़िलहाल में उनकी एक तमिल फिल्म आई थी मिशन चैप्टर 1। और अब हिंदी की बात करें तो हिंदी तो उन्होंने आखिरी में 2016 में टुक टुक टुकिया करके गाने में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। उससे पहले फ्रीकी अली उनकी 2016 में आई थी। उसके बाद करीबन 8 साल के बाद वो किसी एक हिंदी फिल्म में काम कर रही है। तब देखते कि उनका इस फिल्म किस तरह से कैसे क्या किरदार लिखा हुआ है। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो मार्क हैमिल्टन ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग संदीप कुरूप के द्वारा करवाई गई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में विक्रम मोन्ट्रोसे के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर विक्रम मोन्ट्रोसे का है। सॉन्ग्स है वो मिथुन, तनिष्क बागची, विक्रम मोन्ट्रोसे जैसे अलग अलग म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म के साथ उसमें जुड़े हुए। फिल्म में फिलहाल में 3 गाने रिलीज किए हुए। अभी ये 3 गाने ऑफिशियली जो रिलीज किए गए वो T-Series के चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ पे T-Series वालों ने इस फिल्म के जो गानों के राइट्स है वो एक डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने इन 3 गानों को रिलीज किया हुआ है। जिसमें से एक गाना तो रिक्रिएटेड रोम रोम वाला जो गाना आपको सुनने को मिला हुआ है वो पहले ही MC स्क्वेयर के द्वारा कानफोर्ड करके जो एक शो आता है, जो इंडिया हसल करके जो शो आता है, उसमें उन्होंने वो गाना गाया हुआ था। वो गाना काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और उसके बाद में उन्होंने उसके अलग अलग तरीके से वर्जन भी क्रिएट किए हुए थे और इस फिल्म में भी इस गाने को रखा हुआ है। देखते हैं कि ये गाना किस तरह से किसी फिल्म में यूज़ किया जाएगा। अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो इस फिल्म के एक्टर यानी कि विद्युत जामवाल के ही प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे स्टार्ट की गई थी। वैसे आदित्य दत्त के साथ उन्होंने इससे पहले कमांडो 3 बनाई हुई थी, वो उनकी पहली फिल्म थी दोनों के एक साथ में। ये सेकंड वेंचर आया हुआ है कमांडो 3 के बाद, जहाँ पे विद्युत जामवाल को कहानी के पीछ आदित्य दत्त के द्वारा 2021 के आसपास मिली हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल्स में शूट किया हुआ था। वैसे एक एक्शन फिल्म थी, इस हिसाब से फिल्म की शूटिंग में काफ़ी टाइम लगा हुआ था। इसके चलते इस फिल्म को रैपअप किया था 18 दिसंबर 2023 तक। उसके साथ ही में इस फिल्म के कुछ शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया जा रहा था। वैसे एक्चुअली में इस फिल्म में एक ट्विस्ट और है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले जैकलिन फर्नांडिस होने वाली थी, लेकिन कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इस फिल्म में जैकलिन के जगह नोरा फतेही को लिया हुआ है। इस फिल्म में आपको विद्युत जामवाल देखने को मिलेंगे लीड रोल में, नोरा फतेही उनके अपोजिट कास्ट की गई है। अर्जुन रामपाल इस फिल्म में शायद हो सकता है एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हो। एमी जैक्सन इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी। रुक्मिणी मैत्रा है वो इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आई है। पूजा सावंत ने भी इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। तो कुछ एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म में अभी फिलहाल में जो कास्ट अनाउंस हुए उसमें काम करते हुए नजर आए। टीजर ट्रेलर में एक्टर्स देखने को मिले हुए। अब देखते हैं कि इनकी तरफ से इस फिल्म में किस तरह से किसे क्या काम देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का पहला गाना दिलजूम, जिसको रिक्रिएट किया हुआ 2011 की जो एक एल्बम है जूम करके, जो पाकिस्तानी सिंगर अली फजल के उसमें से रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे जो रिक्रिएट वाला गाना है उसका म्यूजिक कंपोजिशन तनिष्क बागची ने किया हुआ है, गुरप्रीत साइनी ने लिखा हुआ है, विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने उसको गाया हुआ है। जीना हराम गाने को तनिष्क बागची ने लिखा और म्यूजिक दिया हुआ है, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव ने गाया हुआ है। रोम रोम भी रीमेक गाना है, जो MC स्क्वेयर का गाना है वही रीयूज़ किया हुआ है, जहाँ पे तनिष्क बागची के साथ उन्होंने MC स्क्वेयर ने मिलकर म्यूजिक दिया हुआ है और MC स्क्वेयर ने लिरिक्स लिखे हुए, MC स्क्वेयर के द्वारा ही उसको गवाया गया है। तो ये टोटल 3 ट्रैक है जिसको T-Series के द्वारा रिलीज़ करवाए गए। फिलहाल में सभी गाने आपको T-Series के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। और भी गाने जो आने वाले समय में डेफिनेटली रिलीज़ किए जाएंगे, जहाँ पे इस फिल्म में पहली बार विद्युत जामवाल नोरा फतेही एक साथ पेयर अप करते हुए नजर आए। उनके जो परफॉर्मेंसेस है, जो टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी नज़र आ रही है। टीजर ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है कि एक भरोसा दे रही है कि फिल्म एक अच्छे एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाली, एक स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से मेकर्स ने पुल अप किया हुआ है। फिल्म का जो इस काइंड ऑफ बजट है, उस बजट के अंदर किस तरह से इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है, म्यूजिक का सपोर्ट किस तरह से रहता है, खास करके बैकग्राउंड स्कोर का सपोर्ट कैसा रहता है। फिल्म का रन टाइम एडिटिंग भी काफ़ी डिपेंड करेगी कि फिल्म की एडिटिंग किस तरह से कैसे क्या है। अगर फिल्म को एक ऑन दी पॉइंट रखा होगा, स्क्रीन प्ले टाइट रहेगा, डेफिनेटली एक्शन फिल्मों में स्क्रीन प्ले टाइट रहता है, देखने का मजा एक और होता है। वैसे इस फिल्म को फर्स्ट एवर एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के तौर पे इंडिया में रिलीज़ के तौर पे बताया जा रहा है। देखते हैं कि उसके साथ कैसा क्या काम रहता है। प्रीमाइस के ऊपर बातचीत करें तो बताया जा रहा है कि विद्युत जामवाल मुंबई बेस्ड एक स्लम एरिया में रहने वाले एक लड़के, जहाँ पे उसकी एक जर्नी है वो एक डेंजरस दुनिया की ओर दिखाई गई है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस दिखाए हुए हैं, वो डेफिनेटली फिल्म में देखते समय आपको पता चलेंगे। जहाँ पर एक अंडरग्राउंड स्पोर्ट हो रहा है, वो एक डेंजरस दुनिया में वो कदम रखने जा रहे हैं, जहाँ पे एक रोल है अगर आप जीतोगे तो ही जियोगे, तो जो टाइटल है जीतेगा तो ही जिएगा, वही से लिया हुआ है। क्योंकि इस फिल्म में जो स्पोर्ट्स दिखाया उसमें ऐसा ही कुछ काइंड ऑफ है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको जीतने के लिए या जीने के लिए, दोनों के लिए इस फिल्म में जो पार्टिसिपेंट है उसको सरवाइव करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि विद्युत जामवाल का जो किरदार है किस तरह से क्या इसमें देखने को मिलता है। डेफिनेटली एक्शन तो काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा विद्युत जामवाल की तरफ से। अब देखते हैं कि उसकी कोरियोग्राफी कैसे क्या है। फिलहाल में टेक्निकली फिल्म अच्छी नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर सॉन्ग से फिल्म की मेकिंग अच्छी नज़र आ रही है, जो एक्टर्स लिए गए वो बढ़िया है। विद्युत जामवाल, नोरा फतेही पहली बार एक दूसरे के अपोजिट कास्ट किए गए, वो एक इंटरेस्टिंग पेयरअप नज़र आ रहा है। इसके अलावा डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि जो फिल्म के हित में अच्छा वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में भी इस फिल्म के जो यूट्यूब पे रिलीज़ किए गए उस पर। तब देखते कि इस सभी चीज़ों के साथ फिल्म किस तरह से क्या बॉक्स ऑफिस पे रन ले पाती। हाँ, पहले 3 दिन फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन कर लेगी, जो विद्युत जामवाल का स्टारडम है उसके हिसाब से आराम से ये फिल्म थोड़ा बहुत कलेक्शन कर तो लेगी, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा कि फिल्म किस तरह से चलती है। उसके बाद में एक वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को लंबा रन दे सकता है। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो डेफिनेटली 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन है फिल्म डेफिनेटली कर सकती है। क्रैक फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन 23 फरवरी 2024 को फिल्म डेफिनेटली थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे हिंदी वर्जन में फिल्म रिलीज़ होगी क्रैक नाम के साथ। आप थिएटर में जाके इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म और उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी। तो इस तरह से क्रैक फिल्म रिलीज़ करवाई जाएगी। क्रैक जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है। इसका टैगलाइन है जीतेगा तो जिएगा। अब ये जो जीतेगा तो जिएगा जो कॉन्सेप्ट है वो फिल्म में पूरी तरह से यूज़ किया हुआ है। जो एक स्पोर्ट्स एक्शन गेम मैंने एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म किए हुए तो जो स्पोर्ट है वो उसी टाइप का आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। और इस फिल्म को जो प्रमोट किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म बनने जा रही है इंडिया में। अब वो किस तरह से कैसे क्या दिखाया है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे इससे पहले कुछ फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस क्रैक फिल्म के साथ एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फिल्म के ऊपर पहली बार काम कर रहे। लेकिन कमांडो 3 उन्होंने 2019 में विद्युत जामवाल के साथ बनाई थी, वो भी एक एक्शन फिल्म थी। उससे पहले एक थ्रिलर फिल्म बनाई थी परेश रावल, राजीव खंडेलवाल के साथ टेबल नंबर 21 जो 2013 में बनी थी। उसके बाद में उससे पहले 2012 में विल्यू मेरी मी करके श्रेयस तलपड़े और मुग्धा गोडसे के साथ उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई हुई थी। उससे पहले उन्होंने गुड लक करके फिल्म बनाई हुई थी, वो एक ड्रामा फिल्म थी। 2006 में उनके दिल दिया है फिल्म आई थी इमरान हाशमी, अस्मित पटेल, गीता बसरा के साथ, वो एक थ्रिलर फिल्म थी। 2005 में उन्होंने आशिक बनाया आपने फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की हुई थी, जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी, सोनू सूद और तनुश्री दत्ता को लिया था, वो भी एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। तो उन्होंने अपने करियर में रोमांस, थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन और स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ अलग अलग जोनर की फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि 2024 की जो इनकी क्रैक फिल्म आने वाली है वो किस तरह का कैसा बस क्रिएट कर पाती है। वैसे फिल्म का स्टोरी का आइडिया उनका ही था, उसके ऊपर उनको मदद किए हुए रेहान खान और सरीम मोमिन ने, जहाँ पे डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उनके साथ बैठ के उन्होंने तैयार किए हुए और डायरेक्शन आदित्य दत्त का ही आपको देखने को मिलेगा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे अब्बास सैयद और विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है। इस फिल्म को पेनोरामा स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है, तो एक अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब देखते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू फिल्म को किस तरह से किसी क्या रिलीज़ मिलती है। वैसे आसपास में कोई बड़ी फिल्म तो है नहीं, तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिलीज़ तो फिल्म को मिलने ही वाली है। अब देखते हैं कि इस रिलीज़ के साथ ये फिल्म किस तरह से किसी क्या कमाल करती है। इस फिल्म के ऊपर थोड़ी बहुत और चर्चा करें तो फिल्म की कास्टिंग में आपको विद्युत जामवाल, नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल, एमी जैक्सन जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले, जहां पे एमी जैक्सन काफ़ी सारी फिल्मों के बाद इस फिल्म में कमबैक करती हुई नजर आएगी, जहां पे काफ़ी सालों के बाद उन्होंने कमबैक किया हुआ है। आखिरी जो उनकी फिल्म आई थी वो 2018 में थी, वो भी एक कन्नड़ा और तमिल फिल्म थी प्योर, जहाँ पे उन्होंने 2.0 करके तमिल फिल्म बनाई थी। उसके बाद में 2024 में अभी फ़िलहाल में उनकी एक तमिल फिल्म आई थी मिशन चैप्टर 1। और अब हिंदी की बात करें तो हिंदी तो उन्होंने आखिरी में 2016 में टुक टुक टुकिया करके गाने में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। उससे पहले फ्रीकी अली उनकी 2016 में आई थी। उसके बाद करीबन 8 साल के बाद वो किसी एक हिंदी फिल्म में काम कर रही है। तब देखते कि उनका इस फिल्म किस तरह से कैसे क्या किरदार लिखा हुआ है। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो मार्क हैमिल्टन ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग संदीप कुरूप के द्वारा करवाई गई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में विक्रम मोन्ट्रोसे के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर विक्रम मोन्ट्रोसे का है। सॉन्ग्स है वो मिथुन, तनिष्क बागची, विक्रम मोन्ट्रोसे जैसे अलग अलग म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म के साथ उसमें जुड़े हुए। फिल्म में फिलहाल में 3 गाने रिलीज किए हुए। अभी ये 3 गाने ऑफिशियली जो रिलीज किए गए वो T-Series के चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ पे T-Series वालों ने इस फिल्म के जो गानों के राइट्स है वो एक डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए, जहाँ पे उन्होंने इन 3 गानों को रिलीज किया हुआ है। जिसमें से एक गाना तो रिक्रिएटेड रोम रोम वाला जो गाना आपको सुनने को मिला हुआ है वो पहले ही MC स्क्वेयर के द्वारा कानफोर्ड करके जो एक शो आता है, जो इंडिया हसल करके जो शो आता है, उसमें उन्होंने वो गाना गाया हुआ था। वो गाना काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और उसके बाद में उन्होंने उसके अलग अलग तरीके से वर्जन भी क्रिएट किए हुए थे और इस फिल्म में भी इस गाने को रखा हुआ है। देखते हैं कि ये गाना किस तरह से किसी फिल्म में यूज़ किया जाएगा। अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो इस फिल्म के एक्टर यानी कि विद्युत जामवाल के ही प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे स्टार्ट की गई थी। वैसे आदित्य दत्त के साथ उन्होंने इससे पहले कमांडो 3 बनाई हुई थी, वो उनकी पहली फिल्म थी दोनों के एक साथ में। ये सेकंड वेंचर आया हुआ है कमांडो 3 के बाद, जहाँ पे विद्युत जामवाल को कहानी के पीछ आदित्य दत्त के द्वारा 2021 के आसपास मिली हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल्स में शूट किया हुआ था। वैसे एक एक्शन फिल्म थी, इस हिसाब से फिल्म की शूटिंग में काफ़ी टाइम लगा हुआ था। इसके चलते इस फिल्म को रैपअप किया था 18 दिसंबर 2023 तक। उसके साथ ही में इस फिल्म के कुछ शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया जा रहा था। वैसे एक्चुअली में इस फिल्म में एक ट्विस्ट और है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले जैकलिन फर्नांडिस होने वाली थी, लेकिन कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इस फिल्म में जैकलिन के जगह नोरा फतेही को लिया हुआ है। इस फिल्म में आपको विद्युत जामवाल देखने को मिलेंगे लीड रोल में, नोरा फतेही उनके अपोजिट कास्ट की गई है। अर्जुन रामपाल इस फिल्म में शायद हो सकता है एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हो। एमी जैक्सन इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी। रुक्मिणी मैत्रा है वो इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आई है। पूजा सावंत ने भी इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। तो कुछ एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म में अभी फिलहाल में जो कास्ट अनाउंस हुए उसमें काम करते हुए नजर आए। टीजर ट्रेलर में एक्टर्स देखने को मिले हुए। अब देखते हैं कि इनकी तरफ से इस फिल्म में किस तरह से किसे क्या काम देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का पहला गाना दिल जूम, जिसको रिक्रिएट किया हुआ है 2011 की जो एक एल्बम है जूम करके, जो पाकिस्तानी सिंगर अली फजल के उसमें से रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे जो रिक्रिएट वाला गाना है उसका म्यूजिक कंपोजिशन तनिष्क बागची ने किया हुआ है, गुरप्रीत साइनी ने लिखा हुआ है, विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने उसको गाया हुआ है। जीना हराम गाने को तनिष्क बागची ने लिखा और म्यूजिक दिया हुआ है, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव ने गाया हुआ है। रोम रोम भी रीमेक गाना है, जो MC स्क्वेयर का गाना है वही रीयूज़ किया हुआ है, जहाँ पे तनिष्क बागची के साथ उन्होंने MC स्क्वेयर ने ही मिलकर म्यूजिक दिया हुआ है और MC स्क्वेयर ने लिरिक्स लिखे हुए, MC स्क्वेयर के द्वारा ही उसको गवाया गया है। तो ये टोटल 3 ट्रैक है जिसको T-Series के द्वारा रिलीज़ करवाए गए। फिलहाल में सभी गाने आपको T-Series के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। और भी गाने जो आने वाले समय में डेफिनेटली रिलीज़ किए जाएंगे, जहाँ पे इस फिल्म में पहली बार विद्युत जामवाल नोरा फतेही एक साथ पेयर अप करते हुए नजर आए। उनकी जो परफॉर्मेंसेस है, जो टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी नज़र आ रही है। टीजर ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है कि एक भरोसा दे रही है कि फिल्म एक अच्छे एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाली, एक स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से मेकर्स ने पुल अप किया हुआ है। फिल्म का जो जिस काइंड ऑफ बजट है उस बजट के अंदर किस तरह से इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है, म्यूजिक का सपोर्ट किस तरह से रहता है, खास करके बैकग्राउंड स्कोर का सपोर्ट कैसा रहता है। फिल्म का रन टाइम एडिटिंग भी काफ़ी डिपेंड करेगी कि फिल्म की एडिटिंग किस तरह से कैसे क्या है। अगर फिल्म को एक ऑन दी पॉइंट रखा होगा, स्क्रीन प्ले टाइट रहेगा, डेफिनेटली एक्शन फिल्मों में स्क्रीन प्ले टाइट रहता है, देखने का मजा एक और होता है। वैसे इस फिल्म को फर्स्ट एवर एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के तौर पे इंडिया में रिलीज़ के तौर पे बताया जा रहा है। देखते हैं कि उसके साथ कैसा क्या काम रहता है। प्रीमाइस के ऊपर बातचीत करें तो बताया जा रहा है कि विद्युत जामवाल मुंबई बेस्ड एक स्लम एरिया में रहने वाले एक लड़के, जहाँ पे उसकी एक जर्नी है वो एक डेंजरस दुनिया की ओर दिखाई गई है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस दिखाए हुए हैं, वो डेफिनेटली फिल्म में देखते समय आपको पता चलेंगे। जहाँ पे एक अंडरग्राउंड स्पोर्ट हो रहा है, वो एक डेंजरस दुनिया में वो कदम रखने जा रहे हैं, जहाँ पे एक रूल है, अगर आप जीतोगे तो ही जियोगे। तो जो टाइटल है जीतेगा तो ही जिएगा, वही से लिया हुआ है, क्योंकि इस फिल्म में जो स्पोर्ट्स दिखाया उसमें ऐसा ही कुछ काइंड ऑफ है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको जीतने के लिए या जीने के लिए, दोनों के लिए इस फिल्म में जो पार्टिसिपेंट हैं उसको सरवाइव करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि विद्युत जामवाल का जो किरदार है किस तरह से क्या इसमें देखने को मिलता है। डेफिनेटली एक्शन तो काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा विद्युत जामवाल की तरफ से। अब देखते हैं कि उसकी कोरियोग्राफी कैसे क्या है। फिलहाल में टेक्निकली फिल्म अच्छी नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर सॉन्ग से फिल्म की मेकिंग अच्छी नज़र आ रही है, जो एक्टर्स लिए गए वो बढ़िया है। विद्युत जामवाल, नोरा फतेही पहली बार एक दूसरे के अपोजिट कास्ट किए गए, वो एक इंटरेस्टिंग पेयरअप नज़र आ रहा है। इसके अलावा डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि जो फिल्म के हित में अच्छा वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में भी इस फिल्म के जो यूट्यूब पे रिलीज़ किए गए उस पर। तब देखते कि इस सभी चीज़ों के साथ फिल्म किस तरह से क्या बॉक्स ऑफिस पे रन ले पाती है। हाँ, पहले 3 दिन फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन कर लेगी, जो विद्युत जामवाल का स्टारडम है उसके हिसाब से आराम से ये फिल्म थोड़ा बहुत कलेक्शन कर तो लेगी, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा कि फिल्म किस तरह से चलती है। उसके बाद में एक वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को लंबा रन दे सकता है। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो डेफिनेटली 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन है फिल्म डेफिनेटली कर सकती है। क्रैक फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन 23 फरवरी 2024 को फिल्म डेफिनेटली थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे हिंदी वर्जन में फिल्म रिलीज़ होगी क्रैक नाम के साथ। आप थिएटर में जाके इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म और उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी। तो इस तरह से क्रैक फिल्म रिलीज़ करवाई जाएगी। क्रैक जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है। इसका टैगलाइन है जीतेगा तो जिएगा। अब ये जो जीतेगा तो जिएगा जो कॉन्सेप्ट है वो फिल्म में पूरी तरह से यूज़ किया हुआ है। जो एक स्पोर्ट्स एक्शन गेम मैंने एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म किए हुए तो जो स्पोर्ट है वो उसी टाइप का आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। और इस फिल्म को जो प्रमोट किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म बनने जा रही है इंडिया में। अब वो किस तरह से कैसे क्या दिखाया है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे इससे पहले कुछ फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस क्रैक फिल्म के साथ एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फिल्म के ऊपर पहली बार काम कर रहे। लेकिन कमांडो 3 उन्होंने 2019 में विद्युत जामवाल के साथ बनाई थी, वो भी एक एक्शन फिल्म थी। उससे पहले एक थ्रिलर फिल्म बनाई थी परेश रावल, राजीव खंडेलवाल के साथ टेबल नंबर 21 जो 2013 में बनी थी। उसके बाद में उससे पहले 2012 में विल्यू मेरी मी करके श्रेयस तलपड़े और मुग्धा गोडसे के साथ उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई हुई थी। उससे पहले उन्होंने गुड लक करके फिल्म बनाई हुई थी, वो एक ड्रामा फिल्म थी। 2006 में उनके दिल दिया है फिल्म आई थी इमरान हाशमी, अस्मित पटेल, गीता बसरा के साथ, वो एक थ्रिलर फिल्म थी। 2005 में उन्होंने आशिक बनाया आपने फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की हुई थी, जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी, सोनू सूद और तनुश्री दत्ता को लिया था, वो भी एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। तो उन्होंने अपने करियर में रोमांस, थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन और स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ अलग अलग जोनर की फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि 2024 की जो इनकी क्रैक फिल्म आने वाली है वो किस तरह का कैसा बस क्रिएट कर पाती है। वैसे फिल्म का स्टोरी का आइडिया उनका ही था, उसके ऊपर उनको मदद किए हुए रेहान खान और सरीम मोमिन ने, जहाँ पे डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उनके साथ बैठ के उन्होंने तैयार किए हुए और डायरेक्शन आदित्य दत्त का ही आपको देखने को मिलेगा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे अब्बास सैयद और विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है। इस फिल्म को पेनोरामा स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है, तो एक अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब देखते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू फिल्म को किस तरह से किसी क्या रिलीज मिलती है। वैसे आसपास में कोई बड़ी फिल्म तो है नहीं, तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिलीज तो फिल्म को मिलने ही वाली है। अब देखते हैं कि इस रिलीज के साथ ये फिल्म किस तरह से किसी क्या कमाल करती है। इस फिल्म के ऊपर थोड़ी बहुत और चर्चा करें तो फिल्म की कास्टिंग में आपको विद्युत जामवाल, नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल, एमी जैक्सन जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले, जहाँ पे एमी जैक्सन काफ़ी सारी फिल्मों के बाद इस फिल्म में कमबैक करती हुई नजर आएगी, जहाँ पे काफ़ी सालों के बाद उन्होंने कमबैक किया हुआ है। आखिरी जो उनकी फिल्म आई थी वो 2018 में थी, वो भी एक कन्नड़ा और तमिल फिल्म थी प्योर, जहाँ पे उन्होंने 2.0 करके तमिल फिल्म बनाई थी। उसके बाद में 2024 में अभी फ़िलहाल में उनकी एक तमिल फिल्म आई थी मिशन चैप्टर 1। और अब हिंदी की बात करें तो हिंदी तो उन्होंने आखिरी में 2016 में टुक टुक टुकिया करके गाने में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। उससे पहले फ्रीकी अली उनकी 2016 में आई थी। उसके बाद करीबन 8 साल के बाद वो किसी एक हिंदी फिल्म में काम कर रही है। तब देखते कि उनका इस फिल्म किस तरह से कैसे क्या किरदार लिखा हुआ है। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो मार्क हैमिल्टन ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग संदीप कुरूप के द्वारा करवाई गई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में विक्रम मोन्ट्रोसे के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर विक्रम मोन्ट्रोसे का है। सॉन्ग्स है वो मिथुन, तनिष्क बागची, विक्रम मोन्ट्रोसे जैसे अलग अलग म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म के साथ उसमें जुड़े हुए। फिल्म में फिलहाल में 3 गाने रिलीज किए हुए। अभी ये 3 गाने ऑफिशियली जो रिलीज किए गए वो T-Series के चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ पे T-Series वालों ने इस फिल्म के जो गानों के राइट्स है वो एक डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए, जहाँ पे उन्होंने इन 3 गानों को रिलीज किया हुआ है। जिसमें से एक गाना तो रिक्रिएटेड रोम रोम वाला जो गाना आपको सुनने को मिला हुआ है वो पहले ही MC स्क्वेयर के द्वारा कानफोर्ड करके जो एक शो आता है, जो इंडिया हसल करके जो शो आता है, उसमें उन्होंने वो गाना गाया हुआ था। वो गाना काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और उसके बाद में उन्होंने उसके अलग अलग तरीके से वर्जन भी क्रिएट किए हुए थे और इस फिल्म में भी इस गाने को रखा हुआ है। देखते हैं कि ये गाना किस तरह से किसी फिल्म में यूज़ किया जाएगा। अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो इस फिल्म के एक्टर यानी कि विद्युत जामवाल के ही प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे स्टार्ट की गई थी। वैसे आदित्य दत्त के साथ उन्होंने इससे पहले कमांडो 3 बनाई हुई थी, वो उनकी पहली फिल्म थी। दोनों के एक साथ में ये सेकंड वेंचर आया हुआ है कमांडो 3 के बाद, जहाँ पे विद्युत जामवाल को कहानी के पीछ आदित्य दत्त के द्वारा 2021 के आसपास मिली हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल्स में शूट किया हुआ था। वैसे एक एक्शन फिल्म थी, इस हिसाब से फिल्म की शूटिंग में काफ़ी टाइम लगा हुआ था। इसके चलते इस फिल्म को रैपअप किया था 18 दिसंबर 2023 तक। उसके साथ ही में इस फिल्म के कुछ शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया जा रहा था। वैसे एक्चुअली में इस फिल्म में एक ट्विस्ट और है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले जैकलिन फर्नांडिस होने वाली थी, लेकिन कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इस फिल्म में जैकलिन के जगह नोरा फतेही को लिया हुआ है। इस फिल्म में आपको विद्युत जामवाल देखने को मिलेंगे लीड रोल में, नोरा फतेही उनके अपोजिट कास्ट की गई है। अर्जुन रामपाल इस फिल्म में शायद हो सकता है एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हो। एमी जैक्सन इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी। रुक्मिणी मैत्रा है वो इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आई है। पूजा सावंत ने भी इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। तो कुछ एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म में अभी फिलहाल में जो कास्ट अनाउंस हुए उसमें काम करते हुए नजर आए। टीजर ट्रेलर में एक्टर्स देखने को मिले हुए। अब देखते हैं कि इनकी तरफ से इस फिल्म में किस तरह से कैसे क्या काम देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का पहला गाना दिलजूम, जिसको रिक्रिएट किया हुआ है 2011 की जो एक एल्बम है जूम करके, जो पाकिस्तानी सिंगर अली फजल के उसमें से रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे जो रिक्रिएट वाला गाना है उसका म्यूजिक कंपोजिशन तनिष्क बागची ने किया हुआ है, गुरप्रीत साइनी ने लिखा हुआ है, विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने उसको गाया हुआ है। जीना हराम गाने को तनिष्क बागची ने लिखा और म्यूजिक दिया हुआ है, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव ने गाया हुआ है। रोम रोम भी रीमेक गाना है, जो MC स्क्वेयर का गाना है वही रीयूज़ किया हुआ है, जहाँ पे तनिष्क बागची के साथ उन्होंने MC स्क्वेयर ने ही मिलकर म्यूजिक दिया हुआ है और MC स्क्वेयर ने लिरिक्स लिखे हुए, MC स्क्वेयर के द्वारा ही उसको गवाया गया है। तो ये टोटल 3 ट्रैक है जिसको T-Series के द्वारा रिलीज़ करवाए गए। फिलहाल में सभी गाने आपको T-Series के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। और भी गाने जो आने वाले समय में डेफिनेटली रिलीज़ किए जाएंगे, जहाँ पे इस फिल्म में पहली बार विद्युत जामवाल नोरा फतेही एक साथ पेयर अप करते हुए नजर आए। उनके जो परफॉर्मेंसेस है, जो टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी नज़र आ रही है। टीजर ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है कि एक भरोसा दे रही है कि फिल्म एक अच्छे एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले, एक स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से मेकर्स ने पुल अप किया हुआ है। फिल्म का जो इस काइंड ऑफ बजट है उस बजट के अंदर किस तरह से इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है, म्यूजिक का सपोर्ट किस तरह से रहता है, खास करके बैकग्राउंड स्कोर का सपोर्ट कैसा रहता है। फिल्म का रन टाइम एडिटिंग भी काफ़ी डिपेंड करेगी कि फिल्म की एडिटिंग किस तरह से कैसे क्या है। अगर फिल्म को एक ऑन दी पॉइंट रखा होगा, स्क्रीन प्ले टाइट रहेगा, डेफिनेटली एक्शन फिल्मों में स्क्रीन प्ले टाइट रहता है, देखने का मजा एक और होता है। वैसे इस फिल्म को फर्स्ट एवर एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के तौर पे इंडिया में रिलीज़ के तौर पे बताया जा रहा है। देखते हैं कि उसके साथ कैसा क्या काम रहता है। प्रीमाइस के ऊपर बातचीत करें तो बताया जा रहा है कि विद्युत जामवाल मुंबई बेस्ड एक स्लम एरिया में रहने वाले एक लड़के, जहाँ पे उसकी एक जर्नी है वो एक डेंजरस दुनिया की ओर दिखाई गई है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस दिखाए हुए वो डेफिनेटली फिल्म में देखते समय आपको पता चलेंगे। जहाँ पे एक अंडरग्राउंड स्पोर्ट हो रहा है, वो एक डेंजरस दुनिया में वो कदम रखने जा रहे हैं, जहाँ पे एक रोल है अगर आप जीतोगे तो ही जियोगे, तो जो टाइटल है जीतेगा तो ही जिएगा वही से लिया हुआ है, क्योंकि इस फिल्म में जो स्पोर्ट्स दिखाया उसमें ऐसा ही कुछ काइंड ऑफ है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको जीतने के लिए या जीने के लिए, दोनों के लिए इस फिल्म में जो पार्टिसिपेंट है उसको सरवाइव करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि विद्युत जामवाल का जो किरदार है किस तरह से क्या इसमें देखने को मिलता है। डेफिनेटली एक्शन तो काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा विद्युत जामवाल की तरफ से। अब देखते हैं कि उसकी कोरियोग्राफी कैसे क्या है। फिलहाल में टेक्निकली फिल्म अच्छी नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर सॉन्ग से फिल्म की मेकिंग अच्छी नज़र आ रही है, जो एक्टर्स लिए गए वो बढ़िया है। विद्युत जामवाल, नोरा फतेही पहली बार एक दूसरे के अपोजिट कास्ट किए गए, वो एक इंटरेस्टिंग पेयरअप नज़र आ रहा है। इसके अलावा डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि जो फिल्म के हित में अच्छा वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में भी इस फिल्म के जो यूट्यूब पे रिलीज़ किए गए उस पर। तब देखते कि इस सभी चीज़ों के साथ फिल्म किस तरह से क्या बॉक्स ऑफिस पे रन ले पाती है। हाँ, पहले 3 दिन फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन कर लेगी, जो विद्युत जामवाल का स्टारडम है उसके हिसाब से आराम से ये फिल्म थोड़ा बहुत कलेक्शन कर तो लेगी, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा कि फिल्म किस तरह से चलती है। उसके बाद में एक वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को लंबा रन दे सकता है। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो डेफिनेटली 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन फिल्म डेफिनेटली कर सकती है। क्रैक फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन 23 फरवरी 2024 को फिल्म डेफिनेटली थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे हिंदी वर्जन में फिल्म रिलीज़ होगी क्रैक नाम के साथ। आप थिएटर में जाके इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म और उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी। तो इस तरह से क्रैक फिल्म रिलीज़ करवाई जाएगी। क्रैक जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है। इसका टैगलाइन है जीतेगा तो जिएगा। अब ये जो जीतेगा तो जिएगा जो कॉन्सेप्ट है वो फिल्म में पूरी तरह से यूज़ किया हुआ है। जो एक स्पोर्ट्स एक्शन गेम मैंने एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म किए हुए तो जो स्पोर्ट है वो उसी टाइप का आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। और इस फिल्म को जो प्रमोट किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म बनने जा रही है इंडिया में। अब वो किस तरह से कैसे क्या दिखाया है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे इससे पहले कुछ फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस क्रैक फिल्म के साथ एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फिल्म के ऊपर पहली बार काम करे। लेकिन कमांडो 3 उन्होंने 2019 में विद्युत जामवाल के साथ बनाई थी, वो भी एक एक्शन फिल्म थी। उससे पहले एक थ्रिलर फिल्म बनाई थी परेश रावल, राजीव खंडेलवाल के साथ टेबल नंबर 21 जो 2013 में बनी थी। उसके बाद में उससे पहले 2012 में विल यू मैरी मी करके श्रेयस तलपड़े और मुग्धा गोडसे के साथ उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई हुई थी। उससे पहले उन्होंने गुड लक करके फिल्म बनाई हुई थी, वो एक ड्रामा फिल्म थी। 2006 में उनके दिल दिया है फिल्म आई थी इमरान हाशमी, अस्मित पटेल, गीता बसरा के साथ, वो एक थ्रिलर फिल्म थी। 2005 में उन्होंने आशिक बनाया आपने फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की हुई थी, जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी, सोनू सूद और तनुश्री दत्ता को लिया था, वो भी एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। तो उन्होंने अपने करियर में रोमांस, थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन और स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ अलग अलग जोनर की फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि 2024 की जो इनकी क्रैक फिल्म आने वाली है वो किस तरह का कैसा बस क्रिएट कर पाती है। वैसे फिल्म का स्टोरी का आइडिया उनका ही था, उसके ऊपर उनको मदद किए हुए रेहान खान और सरीम मोमिन ने, जहाँ पे डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उनके साथ बैठ के उन्होंने तैयार किए हुए और डायरेक्शन आदित्य दत्त का ही आपको देखने को मिलेगा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे अब्बास सैयद और विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है। इस फिल्म को पेनोरामा स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है, तो एक अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब देखते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू फिल्म को किस तरह से किसी क्या रिलीज़ मिलती है। वैसे आसपास में कोई बड़ी फिल्म तो है नहीं, तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिलीज़ तो फिल्म को मिलने ही वाली है। अब देखते हैं कि इस रिलीज़ के साथ ये फिल्म किस तरह से किसी क्या कमाल करती है। इस फिल्म के ऊपर थोड़ी बहुत और चर्चा करें तो फिल्म की कास्टिंग में आपको विद्युत जामवाल, नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल, एमी जैक्सन जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले, जहाँ पे एमी जैक्सन काफ़ी सारी फिल्मों के बाद इस फिल्म में कमबैक करती हुई नजर आएगी, जहाँ पे काफ़ी सालों के बाद उन्होंने कमबैक किया हुआ है। आखिरी जो उनकी फिल्म आई थी वो 2018 में थी, वो भी एक कन्नड़ा और तमिल फिल्म थी प्योर, जहाँ पे उन्होंने 2.0 करके तमिल फिल्म बनाई थी। उसके बाद में 2024 में अभी फ़िलहाल में उनकी एक तमिल फिल्म आई थी मिशन चैप्टर 1। और अब हिंदी की बात करें तो हिंदी तो उन्होंने आखिरी में 2016 में टुक टुक टुकिया करके गाने में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। उससे पहले फ्रीकी अली उनकी 2016 में आई थी, उसके बाद करीबन 8 साल के बाद वो किसी एक हिंदी फिल्म में काम कर रही है। तब देखते कि उनका इस फिल्म किस तरह से कैसे क्या किरदार लिखा हुआ है। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो मार्क हैमिल्टन ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग संदीप कुरूप के द्वारा करवाई गई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में विक्रम मोन्ट्रोसे के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर विक्रम मोन्ट्रोसे का है। सॉन्ग्स है वो मिथुन, तनिष्क बागची, विक्रम मोन्ट्रोसे जैसे अलग अलग म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म के साथ उसमें जुड़े हुए। फिल्म में फिलहाल में 3 गाने रिलीज़ किए हुए। अभी ये 3 गाने ऑफिशियली जो रिलीज़ किए गए वो टी सीरीज़ के चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ पे टी सीरीज़ वालों ने इस फिल्म के जो गानों के राइट्स है वो एक डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए, जहाँ पे उन्होंने इन 3 गानों को रिलीज़ किया हुआ है। जिसमें से एक गाना तो रिक्रिएटेड रोम रोम वाला जो गाना आपको सुनने को मिला हुआ है वो पहले ही एमसी स्क्वेयर के द्वारा कानफोर्ड करके जो एक शो आता है, जो इंडिया हसल करके जो शो आता है, उसमें उन्होंने वो गाना गाया हुआ था। वो गाना काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और उसके बाद में उन्होंने उसके अलग अलग तरीके से वर्जन भी क्रिएट किए हुए थे और इस फिल्म में भी इस गाने को रखा हुआ है। देखते हैं कि ये गाना किस तरह से किसी फिल्म में यूज़ किया जाएगा। अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो इस फिल्म के एक्टर यानी कि विद्युत जामवाल के ही प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे स्टार्ट की गई थी। वैसे आदित्य दत्त के साथ उन्होंने इससे पहले कमांडो 3 बनाई हुई थी, वो उनकी पहली फिल्म थी दोनों के एक साथ में। ये सेकंड वेंचर आया हुआ है कमांडो 3 के बाद, जहाँ पे विद्युत जामवाल को कहानी के पीछ आदित्य दत्त के द्वारा 2021 के आसपास मिली हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल्स में शूट किया हुआ था। वैसे एक एक्शन फिल्म थी, इस हिसाब से फिल्म की शूटिंग में काफ़ी टाइम लगा हुआ था। इसके चलते इस फिल्म को रैपअप किया था 18 दिसंबर 2023 तक। उसके साथ ही में इस फिल्म के कुछ शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया जा रहा था। वैसे एक्चुअली में इस फिल्म में एक ट्विस्ट और है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले जैकलिन फर्नांडिस होने वाली थी, लेकिन कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इस फिल्म में जैकलिन के जगह नोरा फतेही को लिया हुआ है। इस फिल्म में आपको विद्युत जामवाल देखने को मिलेंगे लीड रोल में, नोरा फतेही उनके अपोजिट कास्ट की गई है। अर्जुन रामपाल इस फिल्म में शायद हो सकता है एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हो। एमी जैक्सन इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी। रुक्मिणी मैत्रा है वो इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आई है। पूजा सावंत ने भी इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। तो कुछ एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म में अभी फिलहाल में जो कास्ट अनाउंस हुए उसमें काम करते हुए नजर आए। टीजर ट्रेलर में एक्टर्स देखने को मिले हुए। अब देखते हैं कि इनकी तरफ से इस फिल्म में किस तरह से कैसे क्या काम देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का पहला गाना दिलजूम, जिसको रिक्रिएट किया हुआ है 2011 की जो एक एल्बम है जूम करके, जो पाकिस्तानी सिंगर अली फजल के उसमें से रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे जो रिक्रिएट वाला गाना है उसका म्यूजिक कंपोजिशन तनिष्क बागची ने किया हुआ है, गुरप्रीत साइनी ने लिखा हुआ है, विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने उसको गाया हुआ है। जीना हराम गाने को तनिष्क बागची ने लिखा और म्यूजिक दिया हुआ है, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव ने गाया हुआ है। रोम रोम भी रीमेक गाना है, जो एमसी स्क्वेयर का गाना है वही रीयूज़ किया हुआ है, जहाँ पे तनिष्क बागची के साथ उन्होंने एमसी स्क्वेयर ने ही मिलकर म्यूजिक दिया हुआ है और एमसी स्क्वेयर ने लिरिक्स लिखे हुए, एमसी स्क्वेयर के द्वारा ही उसको गवाया गया है। तो ये टोटल 3 ट्रैक है जिसको टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाए गए। फिलहाल में सभी गाने आपको टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। और भी गाने जो आने वाले समय में डेफिनेटली रिलीज़ किए जाएंगे, जहाँ पे इस फिल्म में पहली बार विद्युत जामवाल नोरा फतेही एक साथ पेयर अप करते हुए नजर आए। उनकी जो परफॉर्मेंसेस है, जो टीज़र ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी नज़र आ रही है। टीज़र ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है कि एक भरोसा दे रही है कि फिल्म एक अच्छे एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले, एक स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से मेकर्स ने पुल अप किया हुआ है। फिल्म का जो इस काइंड ऑफ बजट है उस बजट के अंदर किस तरह से इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है, म्यूजिक का सपोर्ट किस तरह से रहता है, खास करके बैकग्राउंड स्कोर का सपोर्ट कैसा रहता है। फिल्म का रन टाइम, एडिटिंग भी काफ़ी डिपेंड करेगी कि फिल्म की एडिटिंग किस तरह से कैसे क्या है। अगर फिल्म को एक ऑन दी पॉइंट रखा होगा, स्क्रीन प्ले टाइट रहेगा, डेफिनेटली एक्शन फिल्मों में स्क्रीन प्ले टाइट रहता है, देखने का मजा एक और होता है। वैसे इस फिल्म को फर्स्ट एवर एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के तौर पे इंडिया में रिलीज़ के तौर पे बताया जा रहा है। देखते हैं कि उसके साथ कैसा क्या काम रहता है। प्रीमाइस के ऊपर बातचीत करें तो बताया जा रहा है कि विद्युत जामवाल मुंबई बेस्ड एक स्लम एरिया में रहने वाले एक लड़के, जहाँ पे उसकी एक जर्नी है वो एक डेंजरस दुनिया की ओर दिखाई गई है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस दिखाए हुए वो डेफिनेटली फिल्म में देखते समय आपको पता चलेंगे, जहाँ पे एक अंडरग्राउंड स्पोर्ट हो रहा है, वो एक डेंजरस दुनिया में वो कदम रखने जा रहे हैं, जहाँ पे एक रूल है, अगर आप जीतोगे तो ही जियोगे, तो जो टाइटल है जीतेगा तो ही जिएगा, वही से लिया हुआ है, क्योंकि इस फिल्म में जो स्पोर्ट्स दिखाया है उसमें ऐसा ही कुछ काइंड ऑफ है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको जीतने के लिए या जीने के लिए, दोनों के लिए इस फिल्म में जो पार्टिसिपेंट है उसको सर्वाइव करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि विद्युत जामवाल का जो किरदार है किस तरह से क्या इसमें देखने को मिलता है। डेफिनेटली एक्शन तो काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा विद्युत जामवाल की तरफ से। अब देखते हैं कि उसकी कोरियोग्राफी कैसे क्या है। फिलहाल में टेक्निकली फिल्म अच्छी नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर सॉन्ग से फिल्म की मेकिंग अच्छी नज़र आ रही है, जो एक्टर्स लिए गए वो बढ़िया है। विद्युत जामवाल, नोरा फतेही पहली बार एक दूसरे के अपोजिट कास्ट किए गए, वो एक इंटरेस्टिंग पेयरअप नज़र आ रहा है। इसके अलावा डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि जो फिल्म के हित में अच्छा वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में भी, इस फिल्म के जो यूट्यूब पे रिलीज़ किए गए उस पर। तब देखते कि इस सभी चीज़ों के साथ फिल्म किस तरह से क्या बॉक्स ऑफिस पे रन ले पाती है। हाँ, पहले 3 दिन फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन कर लेगी, जो विद्युत जामवाल का स्टारडम है उसके हिसाब से आराम से ये फिल्म थोड़ा बहुत कलेक्शन कर तो लेगी, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा कि फिल्म किस तरह से चलती है। उसके बाद में एक वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को लंबा रन दे सकता है। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो डेफिनेटली 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन ये फिल्म डेफिनेटली कर सकती है। क्रैक फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन 23 फरवरी 2024 को फिल्म डेफिनेटली थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे हिंदी वर्जन में फिल्म रिलीज़ होगी क्रैक नाम के साथ। आप थिएटर में जाके इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म और उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी। तो इस तरह से क्रैक फिल्म रिलीज़ करवाई जाएगी। क्रैक जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है, इसका टैग लाइन है जीतेगा तो जिएगा। अब ये जो जीतेगा तो जिएगा जो कॉन्सेप्ट है वो फिल्म में पूरी तरह से यूज़ किया हुआ है। जो एक स्पोर्ट्स एक्शन गेम मैंने एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म किए हुए, तो जो स्पोर्ट है वो उसी टाइप का आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। और इस फिल्म को जो प्रमोट किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म बनने जा रही है इंडिया में। अब वो किस तरह से कैसे क्या दिखाया है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे इससे पहले कुछ फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस क्रैक फिल्म के साथ एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फिल्म के ऊपर पहली बार काम कर रहे। लेकिन कमांडो 3 उन्होंने 2019 में विद्युत जामवाल के साथ बनाई थी, वो भी एक एक्शन फिल्म थी। उससे पहले एक थ्रिलर फिल्म बनाई थी परेश रावल, राजीव खंडेलवाल के साथ, टेबल नंबर 21, जो 2013 में बनी थी। उसके बाद में उससे पहले 2012 में विल्यू मेरी मी करके श्रेयस तलपड़े और मुग्धा गोडसे के साथ उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई हुई थी। उससे पहले उन्होंने गुड लक करके फिल्म बनाई हुई थी, वो एक ड्रामा फिल्म थी। 2006 में उनके दिल दिया है फिल्म आई थी इमरान हाशमी, अस्मित पटेल, गीता बसरा के साथ, वो एक थ्रिलर फिल्म थी। 2005 में उन्होंने आशिक बनाया आपने फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की हुई थी, जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी, सोनू सूद और तनुश्री दत्ता को लिया था, वो भी एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। तो उन्होंने अपने करियर में रोमांस, थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन और स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ अलग अलग जोनर की फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि 2024 की जो इनकी क्रैक फिल्म आने वाली है वो किस तरह का कैसा बस क्रिएट कर पाती है। वैसे फिल्म का स्टोरी का आइडिया उनका ही था, उसके ऊपर उनको मदद किए हुए रेहान खान और सरीम मोमिन ने, जहाँ पे डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उनके साथ बैठ के उन्होंने तैयार किए हुए और डायरेक्शन आदित्य दत्त का ही आपको देखने को मिलेगा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे अब्बास सैयद और विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है। इस फिल्म को पेनोरामा स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है, तो एक अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब देखते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू फिल्म को किस तरह से किसी क्या रिलीज़ मिलती है। वैसे आसपास में कोई बड़ी फिल्म तो है नहीं, तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिलीज़ तो फिल्म को मिलने ही वाली है। अब देखते हैं कि इस रिलीज़ के साथ ये फिल्म किस तरह से किसी क्या कमाल करती है। इस फिल्म के ऊपर थोड़ी बहुत और चर्चा करें तो फिल्म की कास्टिंग में आपको विद्युत जामवाल, नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल, एमी जैक्सन जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले, जहाँ पे एमी जैक्सन काफ़ी सारी फिल्मों के बाद इस फिल्म में कमबैक करती हुई नजर आएगी, जहाँ पे काफ़ी सालों के बाद उन्होंने कमबैक किया हुआ है। आखिरी जो उनकी फिल्म आई थी वो 2018 में थी, वो भी एक कन्नड़ा और तमिल फिल्म थी प्योर, जहाँ पे उन्होंने 2.0 करके तमिल फिल्म बनाई थी। उसके बाद में 2024 में अभी फ़िलहाल में उनकी एक तमिल फिल्म आई थी मिशन चैप्टर 1। और अब हिंदी की बात करें तो हिंदी तो उन्होंने आखिरी में 2016 में टुक टुक टुकिया करके गाने में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। उससे पहले फ्रीकी अली उनकी 16 में आई थी। उसके बाद करीबन 8 साल के बाद वो किसी एक हिंदी फिल्म में काम कर रही है। तब देखते कि उनका इस फिल्म किस तरह से कैसे क्या किरदार लिखा हुआ है। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो मार्क हैमिल्टन ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग संदीप कुरूप के द्वारा करवाई गई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में विक्रम मोन्ट्रोसे के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर विक्रम मोन्ट्रोसे का है। सॉन्ग्स है वो मिथुन, तनिष्क बागची, विक्रम मोन्ट्रोसे जैसे अलग अलग म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म के साथ उसमें जुड़े हुए। फिल्म में फिलहाल में 3 गाने रिलीज़ किए हुए। अभी ये 3 गाने ऑफिशियली जो रिलीज़ किए गए वो टी सीरीज़ के चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ पे टी सीरीज़ वालों ने इस फिल्म के जो गानों के राइट्स है वो एक डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए, जहाँ पे उन्होंने इन 3 गानों को रिलीज़ किया हुआ है। जिसमें से एक गाना तो रिक्रिएटेड रोम रोम वाला जो गाना आपको सुनने को मिला हुआ है वो पहले ही एमसी स्क्वेयर के द्वारा कानफोर्ड करके जो एक शो आता है, जो इंडिया हसल करके जो शो आता है, उसमें उन्होंने वो गाना गाया हुआ था। वो गाना काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और उसके बाद में उन्होंने उसके अलग अलग तरीके से वर्जन भी क्रिएट किए हुए थे और इस फिल्म में भी इस गाने को रखा हुआ है। देखते हैं कि ये गाना किस तरह से कैसे फिल्म में यूज़ किया जाएगा। अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो इस फिल्म के एक्टर यानी कि विद्युत जामवाल के ही प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे स्टार्ट की गई थी। वैसे आदित्य दत्त के साथ उन्होंने इससे पहले कमांडो 3 बनाई हुई थी, वो उनकी पहली फिल्म थी दोनों के एक साथ में। ये सेकंड वेंचर आया हुआ है कमांडो 3 के बाद, जहाँ पे विद्युत जामवाल को कहानी के पीछ आदित्य दत्त के द्वारा 2021 के आसपास मिली हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल्स में शूट किया हुआ था। वैसे एक एक्शन फिल्म थी, इस हिसाब से फिल्म की शूटिंग में काफ़ी टाइम लगा हुआ था। इसके चलते इस फिल्म को रैपअप किया था 18 दिसंबर 2023 तक। उसके साथ ही में इस फिल्म के कुछ शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया जा रहा था। वैसे एक्चुअली में इस फिल्म में एक ट्विस्ट और है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले जैकलिन फर्नांडिस होने वाली थी, लेकिन कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इस फिल्म में जैकलिन के जगह नोरा फतेही को लिया हुआ है। इस फिल्म में आपको विद्युत जामवाल देखने को मिलेंगे लीड रोल में, नोरा फतेही उनके अपोजिट कास्ट की गई है। अर्जुन रामपाल इस फिल्म में शायद हो सकता है एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हो। एमी जैक्सन इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी। रुक्मिणी मैत्रा है वो इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आई है। पूजा सावंत ने भी इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। तो कुछ एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म में अभी फिलहाल में जो कास्ट अनाउंस हुए उसमें काम करते हुए नजर आए। टीजर ट्रेलर में एक्टर्स देखने को मिले हुए। अब देखते हैं कि इनकी तरफ से इस फिल्म में किस तरह से कैसे क्या काम देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का पहला गाना दिल जूम, जिसको रिक्रिएट किया हुआ है 2011 की जो एक एल्बम है जूम करके, जो पाकिस्तानी सिंगर अली फजल के उसमें से रिक्रिएट किया हुआ है। जहाँ पे जो रिक्रिएट वाला गाना है उसका म्यूजिक कंपोजिशन तनिष्क बागची ने किया हुआ है, गुरप्रीत साइनी ने लिखा हुआ है, विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने उसको गाया हुआ है। जीना हराम गाने को तनिष्क बागची ने लिखा और म्यूजिक दिया हुआ है, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव ने गाया हुआ है। रोम रोम भी रीमेक गाना है, जो एमसी केयर का गाना है वही रीयूज़ किया हुआ है, जहाँ पे तनिष्क बागची के साथ उन्होंने एमसी केयर ने ही मिलकर म्यूजिक दिया हुआ है और एमसी स्क्वायर ने लिरिक्स लिखे हुए, एमसी स्क्वायर के द्वारा ही उसको गवाया गया है। तो ये टोटल 3 ट्रैक है जिसको टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाए गए। फिलहाल में सभी गाने आपको टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। और भी गाने जो आने वाले समय में डेफिनेटली रिलीज़ किए जाएंगे, जहाँ पे इस फिल्म में पहली बार विद्युत जामवाल नोरा फतेही एक साथ पेयर अप करते हुए नजर आए। उनकी जो परफॉर्मेंसेस है, जो टीज़र ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी नज़र आ रही है। टीज़र ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है कि एक भरोसा दे रही है कि फिल्म एक अच्छे एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले, एक स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से मेकर्स ने पुल अप किया हुआ है। फिल्म का जो इस काइंड ऑफ बजट है उस बजट के अंदर किस तरह से इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है, म्यूजिक का सपोर्ट किस तरह से रहता है, खास करके बैकग्राउंड स्कोर का सपोर्ट कैसा रहता है। फिल्म का रन टाइम एडिटिंग भी काफ़ी डिपेंड करेगी कि फिल्म की एडिटिंग किस तरह से कैसे क्या है। अगर फिल्म को एक ऑन दी पॉइंट रखा होगा, स्क्रीन प्ले टाइट रहेगा, डेफिनेटली एक्शन फिल्मों में स्क्रीन प्ले टाइट रहता है, देखने का मज़ा एक और होता है। वैसे इस फिल्म को फर्स्ट एवर एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के तौर पे इंडिया में रिलीज़ के तौर पे बताया जा रहा है। देखते हैं कि उसके साथ कैसा क्या काम रहता है। प्रीमाइस के ऊपर बातचीत करें तो बताया जा रहा है कि विद्युत जामवाल मुंबई बेस्ड एक स्लम एरिया में रहने वाले एक लड़के, जहाँ पे उसकी एक जर्नी है वो एक डेंजरस दुनिया की ओर दिखाई गई है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस दिखाए हुए वो डेफिनेटली फिल्म में देखते समय आपको पता चलेंगे। जहाँ पे एक अंडरग्राउंड स्पोर्ट हो रहा है, वो एक डेंजरस दुनिया में वो कदम रखने जा रहे हैं, जहाँ पे एक रूल है, अगर आप जीतोगे तो ही जियोगे, तो जो टाइटल है जीतेगा तो ही जिएगा, वही से लिया हुआ है। क्योंकि इस फिल्म में जो स्पोर्ट्स दिखाया है उसमें ऐसा ही कुछ काइंड ऑफ है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको जीतने के लिए या जीने के लिए, दोनों के लिए इस फिल्म में जो पार्टिसिपेंट है उसको सर्वाइव करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि विद्युत जामवाल का जो किरदार है किस तरह से क्या इसमें देखने को मिलता है। डेफिनेटली एक्शन तो काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा विद्युत जामवाल की तरफ से। अब देखते हैं कि उसकी कोरियोग्राफी कैसे क्या है। फिलहाल में टेक्निकली फिल्म अच्छी नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर सॉन्ग से फिल्म की मेकिंग अच्छी नज़र आ रही है, जो एक्टर्स लिए गए वो बढ़िया है। विद्युत जामवाल, नोरा फतेही पहली बार एक दूसरे के अपोजिट कास्ट किए गए, वो एक इंटरेस्टिंग पेयरअप नज़र आ रहा है। इसके अलावा डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि जो फिल्म के हित में अच्छा वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में भी इस फिल्म के जो यूट्यूब पे रिलीज़ किए गए उस पर। तब देखते कि इस सभी चीज़ों के साथ फिल्म किस तरह से क्या बॉक्स ऑफिस पे रन ले पाती है। हाँ, पहले 3 दिन फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन कर लेगी, जो विद्युत जामवाल का स्टारडम है उसके हिसाब से आराम से ये फिल्म थोड़ा बहुत कलेक्शन कर तो लेगी, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा कि फिल्म किस तरह से चलती है। उसके बाद में एक वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को लंबा रन दे सकता है। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो डेफिनेटली 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन ये फिल्म डेफिनेटली कर सकती है। क्रैक फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन 23 फरवरी 2024 को फिल्म डेफिनेटली थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे हिंदी वर्जन में फिल्म रिलीज़ होगी क्रैक नाम के साथ। आप थिएटर में जाके इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म और उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी। तो इस तरह से क्रैक फिल्म रिलीज़ करवाई जाएगी। क्रैक जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है, इसका टैगलाइन है जीतेगा तो जिएगा। अब ये जो जीतेगा तो जिएगा जो कॉन्सेप्ट है वो फिल्म में पूरी तरह से यूज़ किया हुआ है। जो एक स्पोर्ट्स एक्शन गेम मैंने एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म किए हुए तो जो स्पोर्ट है वो उसी टाइप का आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। और इस फिल्म को जो प्रमोट किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म बनने जा रही है इंडिया में। अब वो किस तरह से कैसे क्या दिखाया है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे इससे पहले कुछ फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस क्रैक फिल्म के साथ एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फिल्म के ऊपर पहली बार काम करे। लेकिन कमांडो 3 उन्होंने 2019 में विद्युत जामवाल के साथ बनाई थी, वो भी एक एक्शन फिल्म थी। उससे पहले एक थ्रिलर फिल्म बनाई थी परेश रावल, राजीव खंडेलवाल के साथ, टेबल नंबर 21 जो 2013 में बनी थी। उसके बाद में उससे पहले 2012 में विल यू मैरी मी करके श्रेयस तलपड़े और मुग्धा गोडसे के साथ उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई हुई थी। उससे पहले उन्होंने गुड लक करके फिल्म बनाई हुई थी, वो एक ड्रामा फिल्म थी। 2006 में उनके दिल दिया है फिल्म आई थी इमरान हाशमी, अस्मित पटेल, गीता बसरा के साथ, वो एक थ्रिलर फिल्म थी। 2005 में उन्होंने आशिक बनाया आपने फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की हुई थी, जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी, सोनू सूद और तनुश्री दत्ता को लिया था, वो भी एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। तो उन्होंने अपने करियर में रोमांस, थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन और स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ अलग अलग जोनर की फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि 2024 की जो इनकी क्रैक फिल्म आने वाली है वो किस तरह का कैसा बस क्रिएट कर पाती है। वैसे फिल्म का स्टोरी का आइडिया उनका ही था, उसके ऊपर उनको मदद किए हुए रेहान खान और सरीम मोमिन ने, जहाँ पे डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उनके साथ बैठ के उन्होंने तैयार किए हुए और डायरेक्शन आदित्य दत्त का ही आपको देखने को मिलेगा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे अब्बास सैयद और विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है। इस फिल्म को पेनोरामा स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है, तो एक अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब देखते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू फिल्म को किस तरह से किसी क्या रिलीज़ मिलती है। वैसे आसपास में कोई बड़ी फिल्म तो है नहीं, तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिलीज़ तो फिल्म को मिलने ही वाली है। अब देखते हैं कि इस रिलीज़ के साथ ये फिल्म किस तरह से किसी क्या कमाल करती है। इस फिल्म के ऊपर थोड़ी बहुत और चर्चा करें तो फिल्म की कास्टिंग में आपको विद्युत जामवाल, नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल, एमी जैक्सन जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले, जहाँ पे एमी जैक्सन काफ़ी सारी फिल्मों के बाद इस फिल्म में कमबैक करती हुई नजर आएगी, जहाँ पे काफ़ी सालों के बाद उन्होंने कमबैक किया हुआ है। आखिरी जो उनकी फिल्म आई थी वो 2018 में थी, वो भी एक कन्नड़ा और तमिल फिल्म थी प्योर, जहाँ पे उन्होंने 2.0 करके तमिल फिल्म बनाई थी। उसके बाद में 2024 में अभी फ़िलहाल में उनकी एक तमिल फिल्म आई थी मिशन चैप्टर 1। और अब हिंदी की बात करें तो हिंदी तो उन्होंने आखिरी में 2016 में टुक टुक टुकिया करके गाने में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। उससे पहले फ्रीकी अली उनकी 2016 में आई थी। उसके बाद करीबन 8 साल के बाद वो किसी एक हिंदी फिल्म में काम कर रही है। तब देखते कि उनका इस फिल्म किस तरह से कैसे क्या किरदार लिखा हुआ है। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो मार्क हैमिल्टन ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग संदीप कुरूप के द्वारा करवाई गई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में विक्रम मोन्ट्रोसे के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर विक्रम मोन्ट्रोसे का है। सॉन्ग्स है वो मिथुन, तनिष्क बागची, विक्रम मोन्ट्रोसे जैसे अलग अलग म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म के साथ उसमें जुड़े हुए। फिल्म में फिलहाल में 3 गाने रिलीज़ किए हुए। अभी ये 3 गाने ऑफिशियली जो रिलीज़ किए गए वो टी सीरीज़ के चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ पे टी सीरीज़ वालों ने इस फिल्म के जो गानों के राइट्स है वो एक डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए, जहाँ पे उन्होंने इन 3 गानों को रिलीज़ किया हुआ है। जिसमें से एक गाना तो रिक्रिएटेड रोम रोम वाला जो गाना आपको सुनने को मिला हुआ है वो पहले ही MC स्क्वेयर के द्वारा कानफोर्ड करके जो एक शो आता है, जो इंडिया हसल करके जो शो आता है, उसमें उन्होंने वो गाना गाया हुआ था। वो गाना काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और उसके बाद में उन्होंने उसके अलग अलग तरीके से वर्जन भी क्रिएट किए हुए थे और इस फिल्म में भी इस गाने को रखा हुआ है। देखते हैं कि ये गाना किस तरह से किसी फिल्म में यूज़ किया जाएगा। अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो इस फिल्म के एक्टर यानी कि विद्युत जामवाल के ही प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे स्टार्ट की गई थी। वैसे आदित्य दत्त के साथ उन्होंने इससे पहले कमांडो 3 बनाई हुई थी, वो उनकी पहली फिल्म थी दोनों के एक साथ में। ये सेकंड वेंचर आया हुआ है कमांडो 3 के बाद, जहाँ पे विद्युत जामवाल को कहानी के पीछे आदित्य दत्त के द्वारा 2021 के आसपास मिली हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल्स में शूट किया हुआ था। वैसे एक एक्शन फिल्म थी, इस हिसाब से फिल्म की शूटिंग में काफ़ी टाइम लगा हुआ था। इसके चलते इस फिल्म को रैपअप किया था 18 दिसंबर 2023 तक। उसके साथ ही में इस फिल्म के कुछ शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया जा रहा था। वैसे एक्चुअली में इस फिल्म में एक ट्विस्ट और है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले जैकलिन फर्नांडिस होने वाली थी, लेकिन कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इस फिल्म में जैकलिन के जगह नोरा फतेही को लिया हुआ है। इस फिल्म में आपको विद्युत जामवाल देखने को मिलेंगे लीड रोल में, नोरा फतेही उनके अपोजिट कास्ट की गई है। अर्जुन रामपाल इस फिल्म में शायद हो सकता है एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हो। एमी जैक्सन इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी। रुक्मिणी मैत्रा है वो इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आई है। पूजा सावंत ने भी इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। तो कुछ एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म में अभी फ़िलहाल में जो कास्ट अनाउंस हुए उसमें काम करते हुए नजर आए। टीजर ट्रेलर में एक्टर्स देखने को मिले हुए। अब देखते हैं कि इनकी तरफ से इस फिल्म में किस तरह से कैसे क्या काम देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का पहला गाना दिल झूम, जिसको रिक्रिएट किया हुआ 2011 की जो एक एल्बम है झूम करके, जो पाकिस्तानी सिंगर अली फजल के उसमें से रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे जो रिक्रिएट वाला गाना है उसका म्यूज़िक कंपोजिशन तनिष्क बागची ने किया हुआ है, गुरप्रीत साइनी ने लिखा हुआ है, विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने उसको गाया हुआ है। जीना हराम गाने को तनिष्क बागची ने लिखा और म्यूज़िक दिया हुआ है, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव ने गाया हुआ है। रोम रोम भी रीमेक गाना है, जो MC स्क्वेयर का गाना है वही रीयूज़ किया हुआ है, जहाँ पे तनिष्क बागची के साथ उन्होंने MC स्क्वेयर ने ही मिलकर म्यूज़िक दिया हुआ है और MC स्क्वेयर ने लिरिक्स लिखे हुए, MC स्क्वेयर के द्वारा ही उसको गवाया गया है। तो ये टोटल 3 ट्रैक है जिसको T-Series के द्वारा रिलीज़ करवाए गए। फिलहाल में सभी गाने आपको T-Series के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। और भी गाने जो आने वाले समय में डेफिनेटली रिलीज़ किए जाएंगे, जहाँ पे इस फिल्म में पहली बार विद्युत जामवाल नोरा फतेही एक साथ पेयर अप करते हुए नजर आए। उनके जो परफॉर्मेंसेस है, जो टीज़र ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी नज़र आ रही है। टीज़र ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है कि एक भरोसा दे रही है कि फिल्म एक अच्छे एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले, एक स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से मेकर्स ने पुल अप किया हुआ है। फिल्म का जो इस काइंड ऑफ बजट है उस बजट के अंदर किस तरह से इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है, म्यूजिक का सपोर्ट किस तरह से रहता है, खास करके बैकग्राउंड स्कोर का सपोर्ट कैसा रहता है। फिल्म का रन टाइम, एडिटिंग भी काफ़ी डिपेंड करेगी कि फिल्म की एडिटिंग किस तरह से कैसे क्या है। अगर फिल्म को एक ऑन दी पॉइंट रखा होगा, स्क्रीन प्ले टाइट रहेगा। डेफिनेटली एक्शन फिल्मों में स्क्रीन प्ले टाइट रहता है, देखने का मज़ा एक और होता है। वैसे इस फिल्म को फर्स्ट एवर एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के तौर पे इंडिया में रिलीज़ के तौर पे बताया जा रहा है। देखते हैं कि उसके साथ कैसा क्या काम रहता है। प्रीमाइस के ऊपर बातचीत करें, बताया जा रहा है कि विद्युत जामवाल मुंबई बेस्ड एक स्लम एरिया में रहने वाले एक लड़के, जहाँ पे उसकी एक जर्नी है वो एक डेंजरस दुनिया की ओर दिखाई गई है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस दिखाए हुए वो डेफिनेटली फिल्म में देखते समय आपको पता चलेंगे। जहाँ पे एक अंडरग्राउंड स्पोर्ट हो रहा है वो एक डेंजरस दुनिया में वो कदम रखने जा रहे हैं, जहाँ पे एक रोल है अगर आप जीतोगे तो ही जियोगे, तो जो टाइटल है जीतेगा तो ही जिएगा वही से लिया हुआ है, क्योंकि इस फिल्म में जो स्पोर्ट्स दिखाया उसमें ऐसा ही कुछ काइंड ऑफ है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको जीतने के लिए या जीने के लिए दोनों के लिए इस फिल्म में जो पार्टिसिपेंट है उसको सर्वाइव करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि विद्युत जामवाल का जो किरदार है किस तरह से क्या इसमें देखने को मिलता है। डेफिनेटली एक्शन तो काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा विद्युत जामवाल की तरफ से। अब देखते हैं कि उसकी कोरियोग्राफी कैसे क्या है। फिलहाल में टेक्निकली फिल्म अच्छी नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर सॉन्ग से फिल्म की मेकिंग अच्छी नज़र आ रही है, जो एक्टर्स लिए गए वो बढ़िया है। विद्युत जामवाल नोरा फतेही पहली बार एक दूसरे के अपोजिट कास्ट किए गए, वो एक इंटरेस्टिंग पेयरअप नज़र आ रहा है। इसके अलावा डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि जो फिल्म के हित में अच्छा वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में भी इस फिल्म के जो यूट्यूब पे रिलीज़ किए गए उस पर। तब देखते हैं कि इस सभी चीज़ों के साथ फिल्म किस तरह से क्या बॉक्स ऑफिस पे रन ले पाती है। हाँ, पहले 3 दिन फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन कर लेगी, जो विद्युत जामवाल का स्टारडम है उसके हिसाब से आराम से ये फिल्म थोड़ा बहुत कलेक्शन कर तो लेगी, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा कि फिल्म किस तरह से चलती है। उसके बाद में एक वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को लंबा रन दे सकता है। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो डेफिनेटली 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन फिल्म डेफिनेटली कर सकती है। क्रैक फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन 23 फरवरी 2024 को फिल्म डेफिनेटली थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे हिंदी वर्जन में फिल्म रिलीज़ होगी क्रैक नाम के साथ। आप थिएटर में जाके इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म और उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी। तो इस तरह से क्रैक फिल्म रिलीज़ करवाई जाएगी। क्रैक जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है, इसका टैगलाइन है जीतेगा तो जिएगा। अब ये जो जीतेगा तो जिएगा जो कॉन्सेप्ट है वो फिल्म में पूरी तरह से यूज़ किया हुआ है। जो एक स्पोर्ट्स एक्शन गेम मैंने एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म किए हुए तो जो स्पोर्ट है वो उसी टाइप का आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। और इस फिल्म को जो प्रमोट किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म बनने जा रही है इंडिया में। अब वो किस तरह से कैसे क्या दिखाया है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे इससे पहले कुछ फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस क्रैक फिल्म के साथ एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फिल्म के ऊपर पहली बार काम करे। लेकिन कमांडो 3 उन्होंने 2019 में विद्युत जामवाल के साथ बनाई थी, वो भी एक एक्शन फिल्म थी। उससे पहले एक थ्रिलर फिल्म बनाई थी परेश रावल राजीव खंडेलवाल के साथ टेबल नंबर 21 जो 2013 में बनी थी। उसके बाद में उससे पहले 2012 में विल्यू मेरी मी करके श्रेयस तलपड़े और मुग्धा गोडसे के साथ उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई हुई थी। उससे पहले उन्होंने गुड लक करके फिल्म बनाई हुई थी, वो एक ड्रामा फिल्म थी। 2006 में उनके दिल दिया है फिल्म आई थी इमरान हाशमी अस्मित पटेल गीता बसरा के साथ, वो एक थ्रिलर फिल्म थी। 2005 में उन्होंने आशिक बनाया आपने फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की हुई थी, जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी सोनू सूद और तनुश्री दत्ता को लिया था, वो भी एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। तो उन्होंने अपने करियर में रोमांस, थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन और स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ अलग अलग जोनर की फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि 2024 की जो इनकी क्रैक फिल्म आने वाली है वो किस तरह का कैसा बस क्रिएट कर पाती है। वैसे फिल्म का स्टोरी का आइडिया उनका ही था, उसके ऊपर उनको मदद किए हुए रेहान खान और सरीम मोमिन ने, जहाँ पे डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उनके साथ बैठ के उन्होंने तैयार किए हुए और डायरेक्शन आदित्य दत्त का ही आपको देखने को मिलेगा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे अब्बास सैयद और विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है। इस फिल्म को पेनोरामा स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है, तो एक अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब देखते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू फिल्म को किस तरह से किसी क्या रिलीज़ मिलती है। वैसे आसपास में कोई बड़ी फिल्म तो है नहीं, तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिलीज़ तो फिल्म को मिलने ही वाली है। अब देखते हैं कि इस रिलीज़ के साथ ये फिल्म किस तरह से किसी क्या कमाल करती है। इस फिल्म के ऊपर थोड़ी बहुत और चर्चा करें तो फिल्म की कास्टिंग में आपको विद्युत जामवाल, नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल, एमी जैक्सन जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले, जहाँ पे एमी जैक्सन काफ़ी सारी फिल्मों के बाद इस फिल्म में कमबैक करती हुई नजर आएगी, जहाँ पे काफ़ी सालों के बाद उन्होंने कमबैक किया हुआ है। आखिरी जो उनकी फिल्म आई थी वो 2018 में थी, वो भी एक कन्नड़ा और तमिल फिल्म थी प्योर, जहाँ पे उन्होंने 2.0 करके तमिल फिल्म बनाई थी। उसके बाद में 2024 में अभी फ़िलहाल में उनकी एक तमिल फिल्म आई थी मिशन चैप्टर 1। और अब हिंदी की बात करें तो हिंदी तो उन्होंने आखिरी में 2016 में टुक टुक टुकिया करके गाने में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। उससे पहले फ्रीकी अली उनकी 2016 में आई थी। उसके बाद करीबन 8 साल के बाद वो किसी एक हिंदी फिल्म में काम कर रही है। तब देखते कि उनका इस फिल्म किस तरह से कैसे क्या किरदार लिखा हुआ है। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो मार्क हैमिल्टन ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग संदीप कुरूप के द्वारा करवाई गई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में विक्रम मोन्ट्रोसे के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर विक्रम मोन्ट्रोसे का है। सॉन्ग्स है वो मिथुन, तनिष्क बागची, विक्रम मोन्ट्रोसे जैसे अलग अलग म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म के साथ उसमें जुड़े हुए। फिल्म में फिलहाल में 3 गाने रिलीज़ किए हुए। अभी ये 3 गाने ऑफिशियली जो रिलीज़ किए गए वो T-Series के चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ पे T-Series वालों ने इस फिल्म के जो गानों के राइट्स है वो एक डिसेंट में खरीदे हुए, जहां पे उन्होंने इन 3 गानों को रिलीज किया हुआ है। जिसमें से एक गाना तो रिक्रिएटेड रोम रोम वाला जो गाना आपको सुनने को मिला हुआ है वो पहले ही MC स्क्वेयर के द्वारा कानफोर्ड करके जो एक शो आता है, जो इंडिया हसल करके जो शो आता है, उसमें उन्होंने वो गाना गाया हुआ था। वो गाना काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और उसके बाद में उन्होंने उसके अलग अलग तरीके से वर्जन भी क्रिएट किए हुए थे और इस फिल्म में भी इस गाने को रखा हुआ है। देखते हैं कि ये गाना किस तरह से किसी फिल्म में यूज़ किया जाएगा। अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो इस फिल्म के एक्टर यानी कि विद्युत जामवाल के ही प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे स्टार्ट की गई थी। वैसे आदित्य दत्त के साथ उन्होंने इससे पहले कमांडो 3 बनाई हुई थी, वो उनकी पहली फिल्म थी दोनों के एक साथ में। ये सेकंड वेंचर आया हुआ है कमांडो 3 के बाद, जहाँ पे विद्युत जामवाल को कहानी के पीछे आदित्य दत्त के द्वारा 2021 के आसपास मिली हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल्स में शूट किया हुआ था। वैसे एक एक्शन फिल्म थी, इस हिसाब से फिल्म की शूटिंग में काफ़ी टाइम लगा हुआ था। इसके चलते इस फिल्म को रैपअप किया था 18 दिसंबर 2023 तक। उसके साथ ही में इस फिल्म के कुछ शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया जा रहा था। वैसे एक्चुअली में इस फिल्म में एक ट्विस्ट और है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले जैकलिन फर्नांडिस होने वाली थी, लेकिन कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इस फिल्म में जैकलिन के जगह नोरा फतेही को लिया हुआ है। इस फिल्म में आपको विद्युत जामवाल देखने को मिलेंगे लीड रोल में, नोरा फतेही उनके अपोजिट कास्ट की गई है। अर्जुन रामपाल इस फिल्म में शायद हो सकता है एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हो। एमी जैक्सन इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी। रुक्मिणी मैत्रा है वो इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आई है। पूजा सावंत ने भी इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। तो कुछ एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म में अभी फ़िलहाल में जो कास्ट अनाउंस हुए उसमें काम करते हुए नजर आए। टीजर ट्रेलर में एक्टर्स देखने को मिले हुए। अब देखते हैं कि इनकी तरफ से इस फिल्म में किस तरह से कैसे क्या काम देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का पहला गाना दिलजूम, जिसको रिक्रिएट किया हुआ है 2011 की जो एक एल्बम है जूम करके, जो पाकिस्तानी सिंगर अली फजल के उसमें से रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे जो रिक्रिएट वाला गाना है उसका म्यूजिक कंपोजिशन तनिष्क बागची ने किया हुआ है, गुरप्रीत साइनी ने लिखा हुआ है, विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने उसको गाया हुआ है। जीना हराम गाने को तनिष्क बागची ने लिखा और म्यूजिक दिया हुआ है, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव ने गाया हुआ है। रोम रोम भी रीमेक गाना है, जो MC स्क्वेयर का गाना है वही रीयूज़ किया हुआ है, जहाँ पे तनिष्क बागची के साथ उन्होंने MC स्क्वेयर ने ही मिलकर म्यूजिक दिया हुआ है और MC स्क्वेयर ने लिरिक्स लिखे हुए, MC स्क्वेयर के द्वारा ही उसको गवाया गया है। तो ये टोटल 3 ट्रैक है जिसको T-Series के द्वारा रिलीज़ करवाए गए। फिलहाल में सभी गाने आपको T-Series के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। और भी गाने जो आने वाले समय में डेफिनेटली रिलीज़ किए जाएंगे, जहाँ पे इस फिल्म में पहली बार विद्युत जामवाल नोरा फतेही एक साथ पेयर अप करते हुए नजर आए। उनके जो परफॉर्मेंसेस है, जो टीज़र ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी नज़र आ रही है। टीज़र ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है कि एक भरोसा दे रही है कि फिल्म एक अच्छे एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले, एक स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से मेकर्स ने पुल अप किया हुआ है। फिल्म का जो इस काइंड ऑफ बजट है उस बजट के अंदर किस तरह से इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है, म्यूजिक का सपोर्ट किस तरह से रहता है, खास करके बैकग्राउंड स्कोर का सपोर्ट कैसा रहता है। फिल्म का रन टाइम, एडिटिंग भी काफ़ी डिपेंड करेगी कि फिल्म की एडिटिंग किस तरह से कैसे क्या है। अगर फिल्म को एक ऑन दी पॉइंट रखा होगा, स्क्रीन प्ले टाइट रहेगा। डेफिनेटली एक्शन फिल्मों में स्क्रीन प्ले टाइट रहता है, देखने का मज़ा एक और होता है। वैसे इस फिल्म को फर्स्ट एवर एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के तौर पे इंडिया में रिलीज़ के तौर पे बताया जा रहा है। देखते हैं कि उसके साथ कैसा क्या काम रहता है। प्रीमाइस के ऊपर बातचीत करें, बताया जा रहा है कि विद्युत जामवाल मुंबई बेस्ड एक स्लम एरिया में रहने वाले एक लड़के, जहाँ पे उसकी एक जर्नी है वो एक डेंजरस दुनिया की ओर दिखाई गई है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस दिखाए हुए हैं, वो डेफिनेटली फिल्म में देखते समय आपको पता चलेंगे। जहाँ पे एक अंडरग्राउंड स्पोर्ट हो रहा है, वो एक डेंजरस दुनिया में वो कदम रखने जा रहे हैं, जहाँ पे एक रोल है अगर आप जीतोगे तो ही जियोगे, तो जो टाइटल है जीतेगा तो ही जिएगा वही से लिया हुआ है, क्योंकि इस फिल्म में जो स्पोर्ट्स दिखाया है उसमें ऐसा ही कुछ काइंड ऑफ है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको जीतने के लिए या जीने के लिए दोनों के लिए इस फिल्म में जो पार्टिसिपेंट है उसको सर्वाइव करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि विद्युत जामवाल का जो किरदार है किस तरह से क्या इसमें देखने को मिलता है। डेफिनेटली एक्शन तो काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा विद्युत जामवाल की तरफ से। अब देखते हैं कि उसकी कोरियोग्राफी कैसे क्या है। फिलहाल में टेक्निकली फिल्म अच्छी नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर सॉन्ग से फिल्म की मेकिंग अच्छी नज़र आ रही है, जो एक्टर्स लिए गए वो बढ़िया है। विद्युत जामवाल नोरा फतेही पहली बार एक दूसरे के अपोजिट कास्ट किए गए, वो एक इंटरेस्टिंग पेयरअप नज़र आ रहा है। इसके अलावा डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि जो फिल्म के हित में अच्छा वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में भी इस फिल्म के जो यूट्यूब पे रिलीज़ किए गए उस पर। तब देखते हैं कि इस सभी चीज़ों के साथ फिल्म किस तरह से क्या बॉक्स ऑफिस पे रन ले पाती है। हाँ, पहले 3 दिन फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन कर लेगी, जो विद्युत जामवाल का स्टारडम है उसके हिसाब से आराम से ये फिल्म थोड़ा बहुत कलेक्शन कर तो लेगी, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा कि फिल्म किस तरह से चलती है। उसके बाद में एक वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को लंबा रन दे सकता है। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो डेफिनेटली 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन ये फिल्म डेफिनेटली कर सकती है। क्रैक फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन 23 फरवरी 2024 को फिल्म डेफिनेटली थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे हिंदी वर्जन में फिल्म रिलीज़ होगी क्रैक नाम के साथ। आप थिएटर में जाके इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म और उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी। तो इस तरह से क्रैक फिल्म रिलीज़ करवाई जाएगी। क्रैक जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है, इसका टैगलाइन है जीतेगा तो जिएगा। अब ये जो जीतेगा तो जिएगा जो कॉन्सेप्ट है वो फिल्म में पूरी तरह से यूज़ किया हुआ है। जो एक स्पोर्ट्स एक्शन गेम मैंने एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म किए हुए तो जो स्पोर्ट है वो उसी टाइप का आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। और इस फिल्म को जो प्रमोट किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म बनने जा रही है इंडिया में। अब वो किस तरह से कैसे क्या दिखाया है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे इससे पहले कुछ फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस क्रैक फिल्म के साथ एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फिल्म के ऊपर पहली बार काम कर रहे। लेकिन कमांडो 3 उन्होंने 2019 में विद्युत जामवाल के साथ बनाई थी, वो भी एक एक्शन फिल्म थी। उससे पहले एक थ्रिलर फिल्म बनाई थी परेश रावल राजीव खंडेलवाल के साथ टेबल नंबर 21 जो 2013 में बनी थी। उसके बाद में उससे पहले 2012 में विल्यू मेरी मी करके श्रेयस तलपड़े और मुग्धा गोडसे के साथ उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई हुई थी। उससे पहले उन्होंने गुड लक करके फिल्म बनाई हुई थी, वो एक ड्रामा फिल्म थी। 2006 में उनके दिल दिया है फिल्म आई थी इमरान हाशमी अस्मित पटेल गीता बसरा के साथ, वो एक थ्रिलर फिल्म थी। 2005 में उन्होंने आशिक बनाया आपने फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की हुई थी, जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी सोनू सूद और तनुश्री दत्ता को लिया था, वो भी एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। तो उन्होंने अपने करियर में रोमांस, थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन और स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ अलग अलग जोनर की फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि 2024 की जो इनकी क्रैक फिल्म आने वाली है वो किस तरह का कैसा बस क्रिएट कर पाती है। वैसे फिल्म का स्टोरी का आइडिया उनका ही था, उसके ऊपर उनको मदद किए हुए रेहान खान और सरीम मोमिन ने, जहाँ पे डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उनके साथ बैठ के उन्होंने तैयार किए हुए और डायरेक्शन आदित्य दत्त का ही आपको देखने को मिलेगा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे अब्बास सैयद और विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है। इस फिल्म को पैनोरामा स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है, तो एक अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब देखते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू फिल्म को किस तरह से किसी क्या रिलीज़ मिलती है। वैसे आसपास में कोई बड़ी फिल्म तो है नहीं, तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिलीज़ तो फिल्म को मिलने ही वाली है। अब देखते हैं कि इस रिलीज़ के साथ ये फिल्म किस तरह से किसी क्या कमाल करती है। इस फिल्म के ऊपर थोड़ी बहुत और चर्चा करें तो फिल्म की कास्टिंग में आपको विद्युत जामवाल, नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल, एमी जैक्सन जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले, जहां पे एमी जैक्सन काफ़ी सारी फिल्मों के बाद इस फिल्म में कमबैक करती हुई नजर आएगी, जहां पे काफ़ी सालों के बाद उन्होंने कमबैक किया हुआ है। आखिरी जो उनकी फिल्म आई थी वो 2018 में थी, वो भी एक कन्नड़ा और तमिल फिल्म थी प्योर, जहाँ पे उन्होंने 2.0 करके तमिल फिल्म बनाई थी। उसके बाद में 2024 में अभी फ़िलहाल में उनकी एक तमिल फिल्म आई थी मिशन चैप्टर 1। और अब हिंदी की बात करें तो हिंदी तो उन्होंने आखिरी में 2016 में टुक टुक टुकिया करके गाने में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। उससे पहले फ्रीकी अली उनकी 2016 में आई थी। उसके बाद करीबन 8 साल के बाद वो किसी एक हिंदी फिल्म में काम कर रही है। तब देखते कि उनका इस फिल्म किस तरह से कैसे क्या किरदार लिखा हुआ है। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो मार्क हैमिल्टन ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग संदीप कुरूप के द्वारा करवाई गई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में विक्रम मोन्ट्रोसे के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर विक्रम मोन्ट्रोसे का है। सॉन्ग्स है वो मिथुन, तनिष्क बागची, विक्रम मोन्ट्रोसे जैसे अलग अलग म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म के साथ उसमें जुड़े हुए। फिल्म में फिलहाल में 3 गाने रिलीज़ किए हुए। अभी ये 3 गाने ऑफिशियली जो रिलीज़ किए गए वो टी सीरीज़ के चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ पे टी सीरीज़ वालों ने इस फिल्म के जो गानों के राइट्स है वो एक डिसेंट में खरीदे हुए, जहां पे उन्होंने इन 3 गानों को रिलीज किया हुआ है। जिसमें से एक गाना तो रिक्रिएटेड रोम रोम वाला जो गाना आपको सुनने को मिला हुआ है वो पहले ही एमसी स्क्वेयर के द्वारा कानफोर्ड करके जो एक शो आता है, जो इंडिया हसल करके जो शो आता है, उसमें उन्होंने वो गाना गाया हुआ था। वो गाना काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और उसके बाद में उन्होंने उसके अलग अलग तरीके से वर्जन भी क्रिएट किए हुए थे और इस फिल्म में भी इस गाने को रखा हुआ है। देखते हैं कि ये गाना किस तरह से किसी फिल्म में यूज़ किया जाएगा। अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो इस फिल्म के एक्टर यानी कि विद्युत जामवाल के ही प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे स्टार्ट की गई थी। वैसे आदित्य दत्त के साथ उन्होंने इससे पहले कमांडो 3 बनाई हुई थी, वो उनकी पहली फिल्म थी दोनों के एक साथ में। ये सेकंड वेंचर आया हुआ है कमांडो 3 के बाद, जहाँ पे विद्युत जामवाल को कहानी के पीछ आदित्य दत्त के द्वारा 2021 के आसपास मिली हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल्स में शूट किया हुआ था। वैसे एक एक्शन फिल्म थी, इस हिसाब से फिल्म की शूटिंग में काफ़ी टाइम लगा हुआ था। इसके चलते इस फिल्म को रैपअप किया था 18 दिसंबर 2023 तक। उसके साथ ही में इस फिल्म के कुछ शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया जा रहा था। वैसे एक्चुअली में इस फिल्म में एक ट्विस्ट और है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले जैकलिन फर्नांडिस होने वाली थी, लेकिन कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इस फिल्म में जैकलिन के जगह नोरा फतेही को लिया हुआ है। इस फिल्म में आपको विद्युत जामवाल देखने को मिलेंगे लीड रोल में, नोरा फतेही उनके अपोजिट कास्ट की गई है। अर्जुन रामपाल इस फिल्म में शायद हो सकता है एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हो। एमी जैक्सन इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी। रुक्मिणी मैत्रा है वो इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आई है। पूजा सावंत ने भी इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। तो कुछ एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म में अभी फ़िलहाल में जो कास्ट अनाउंस हुए उसमें काम करते हुए नजर आए। टीजर ट्रेलर में एक्टर्स देखने को मिले हुए। अब देखते हैं कि इनकी तरफ से इस फिल्म में किस तरह से कैसे क्या काम देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का पहला गाना दिलजूम, जिसको रिक्रिएट किया हुआ है 2011 की जो एक एल्बम है जूम करके, जो पाकिस्तानी सिंगर अली फजल के उसमें से रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे जो रिक्रिएट वाला गाना है उसका म्यूजिक कंपोजिशन तनिष्क बागची ने किया हुआ है, गुरप्रीत साइनी ने लिखा हुआ है, विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने उसको गाया हुआ है। जीना हराम गाने को तनिष्क बागची ने लिखा और म्यूजिक दिया हुआ है, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव ने गाया हुआ है। रोम रोम भी रीमेक गाना है, जो एमसी केयर का गाना है वही रीयूज़ किया हुआ है, जहाँ पे तनिष्क बागची के साथ उन्होंने एमसी केयर ने ही मिलकर म्यूजिक दिया हुआ है और एमसी स्क्वायर ने लिरिक्स लिखे हुए, एमसी स्क्वायर के द्वारा उसको गवाया गया है। तो ये टोटल 3 ट्रैक है जिसको टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाए गए। फिलहाल में सभी गाने आपको टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। और भी गाने जो आने वाले समय में डेफिनेटली रिलीज़ किए जाएंगे, जहाँ पे इस फिल्म में पहली बार विद्युत जामवाल नोरा फतेही एक साथ पेयर अप करते हुए नजर आए। उनके जो परफॉर्मेंसेस है, जो टीज़र ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी नज़र आ रही है। टीज़र ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है कि एक भरोसा दे रही है कि फिल्म एक अच्छे एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाली, एक स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से मेकर्स ने पुल अप किया हुआ है। फिल्म का जो इस काइंड ऑफ बजट है, उस बजट के अंदर किस तरह से इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है, म्यूजिक का सपोर्ट किस तरह से रहता है, खास करके बैकग्राउंड स्कोर का सपोर्ट कैसा रहता है। फिल्म का रन टाइम, एडिटिंग भी काफ़ी डिपेंड करेगी कि फिल्म की एडिटिंग किस तरह से कैसे क्या है। अगर फिल्म को एक ऑन दी पॉइंट रखा होगा, स्क्रीन प्ले टाइट रहेगा। डेफिनेटली एक्शन फिल्मों में स्क्रीन प्ले टाइट रहता है, देखने का मजा एक और होता है। वैसे इस फिल्म को फर्स्ट एवर एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के तौर पे इंडिया में रिलीज़ के तौर पे बताया जा रहा है। देखते हैं कि उसके साथ कैसा क्या काम रहता है। प्रीमाइस के ऊपर बातचीत करें, बताया जा रहा है कि विद्युत जामवाल मुंबई बेस्ड एक स्लम एरिया में रहने वाले एक लड़के, जहाँ पे उसकी एक जर्नी है वो एक डेंजरस दुनिया की ओर दिखाई गई है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस दिखाए हुए हैं, वो डेफिनेटली फिल्म में देखते समय आपको पता चलेंगे। जहाँ पे एक अंडरग्राउंड स्पोर्ट हो रहा है, वो एक डेंजरस दुनिया में वो कदम रखने जा रहे हैं, जहाँ पे एक रोल है अगर आप जीतोगे तो ही जियोगे, तो जो टाइटल है जीतेगा तो ही जिएगा, वही से लिया हुआ है। क्योंकि इस फिल्म में जो स्पोर्ट्स दिखाया है उसमें ऐसा ही कुछ काइंड ऑफ है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको जीतने के लिए या जीने के लिए, दोनों के लिए इस फिल्म में जो पार्टिसिपेंट है उसको सर्वाइव करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि विद्युत जामवाल का जो किरदार है किस तरह से क्या इसमें देखने को मिलता है। डेफिनेटली एक्शन तो काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा विद्युत जामवाल की तरफ से। अब देखते हैं कि उसकी कोरियोग्राफी कैसे क्या है। फिलहाल में टेक्निकली फिल्म अच्छी नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर सॉन्ग से फिल्म की मेकिंग अच्छी नज़र आ रही है, जो एक्टर्स लिए गए वो बढ़िया है। विद्युत जामवाल, नोरा फतेही पहली बार एक दूसरे के अपोजिट कास्ट किए गए, वो एक इंटरेस्टिंग पेयरअप नज़र आ रहा है। इसके अलावा डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि जो फिल्म के हित में अच्छा वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में भी इस फिल्म के जो यूट्यूब पे रिलीज़ किए गए उस पर। तब देखते कि इस सभी चीज़ों के साथ फिल्म किस तरह से क्या बॉक्स ऑफिस पे रन ले पाती है। हाँ, पहले 3 दिन फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन कर लेगी, जो विद्युत जामवाल का स्टारडम है उसके हिसाब से आराम से ये फिल्म थोड़ा बहुत कलेक्शन कर तो लेगी, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा कि फिल्म किस तरह से चलती है। उसके बाद में एक वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को लंबा रन दे सकता है। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो डेफिनेटली 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन ये फिल्म डेफिनेटली कर सकती है। क्रैक फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन 23 फरवरी 2024 को फिल्म डेफिनेटली थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे हिंदी वर्जन में फिल्म रिलीज़ होगी क्रैक नाम के साथ। आप थिएटर में जाके इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म और उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी। तो इस तरह से क्रैक फिल्म रिलीज़ करवाई जाएगी। क्रैक जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है, इसका टैगलाइन है जीतेगा तो जिएगा। अब ये जो जीतेगा तो जिएगा जो कॉन्सेप्ट है वो फिल्म में पूरी तरह से यूज़ किया हुआ है। जो एक स्पोर्ट्स एक्शन गेम मैंने एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म किए हुए तो जो स्पोर्ट है वो उसी टाइप का आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। और इस फिल्म को जो प्रमोट किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म बनने जा रही है इंडिया में। अब वो किस तरह से कैसे क्या दिखाया है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे इससे पहले कुछ फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस क्रैक फिल्म के साथ एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फिल्म के ऊपर पहली बार काम कर रहे। लेकिन कमांडो 3 उन्होंने 2019 में विद्युत जामवाल के साथ बनाई थी, वो भी एक एक्शन फिल्म थी। उससे पहले एक थ्रिलर फिल्म बनाई थी परेश रावल, राजीव खंडेलवाल के साथ टेबल नंबर 21 जो 2013 में बनी थी। उसके बाद में उससे पहले 2012 में विल यू मैरी मी करके श्रेयस तलपड़े और मुग्धा गोडसे के साथ उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई हुई थी। उससे पहले उन्होंने गुड लक करके फिल्म बनाई हुई थी, वो एक ड्रामा फिल्म थी। 2006 में उनके दिल दिया है फिल्म आई थी इमरान हाशमी, अस्मित पटेल, गीता बसरा के साथ, वो एक थ्रिलर फिल्म थी। 2005 में उन्होंने आशिक बनाया आपने फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की हुई थी, जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी, सोनू सूद और तनुश्री दत्ता को लिया था, वो भी एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। तो उन्होंने अपने करियर में रोमांस, थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन और स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ अलग अलग जोनर की फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि 2024 की जो इनकी क्रैक फिल्म आने वाली है वो किस तरह का कैसा बस क्रिएट कर पाती है। वैसे फिल्म का स्टोरी का आइडिया उनका ही था, उसके ऊपर उनको मदद किए हुए रेहान खान और सरीम मोमिन ने, जहाँ पे डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उनके साथ बैठ के उन्होंने तैयार किए हुए और डायरेक्शन आदित्य दत्त का ही आपको देखने को मिलेगा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे अब्बास सैयद और विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है। इस फिल्म को पेनोरामा स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है, तो एक अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब देखते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू फिल्म को किस तरह से किसी क्या रिलीज़ मिलती है। वैसे आसपास में कोई बड़ी फिल्म तो है नहीं, तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिलीज़ तो फिल्म को मिलने ही वाली है। अब देखते हैं कि इस रिलीज़ के साथ ये फिल्म किस तरह से किसी क्या कमाल करती है। इस फिल्म के ऊपर थोड़ी बहुत और चर्चा करें तो फिल्म की कास्टिंग में आपको विद्युत जामवाल, नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल, एमी जैक्सन जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले, जहां पे एमी जैक्सन काफ़ी सारी फिल्मों के बाद इस फिल्म में कमबैक करती हुई नजर आएगी, जहां पे काफ़ी सालों के बाद उन्होंने कमबैक किया हुआ है। आखिरी जो उनकी फिल्म आई थी वो 2018 में थी, वो भी एक कन्नड़ा और तमिल फिल्म थी प्योर, जहाँ पे उन्होंने 2.0 करके तमिल फिल्म बनाई थी। उसके बाद में 2024 में अभी फ़िलहाल में उनकी एक तमिल फिल्म आई थी मिशन चैप्टर 1। और अब हिंदी की बात करें तो हिंदी तो उन्होंने आखिरी में 2016 में टुक टुक टुकिया करके गाने में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। उससे पहले फ्रीकी अली उनकी 2016 में आई थी। उसके बाद करीबन 8 साल के बाद वो किसी एक हिंदी फिल्म में काम कर रही है। तब देखते कि उनका इस फिल्म किस तरह से कैसे क्या किरदार लिखा हुआ है। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो मार्क हैमिल्टन ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग संदीप कुरूप के द्वारा करवाई गई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में विक्रम मोन्ट्रोसे के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर विक्रम मोन्ट्रोसे का है। सॉन्ग्स है वो मिथुन, तनिष्क बागची, विक्रम मोन्ट्रोसे जैसे अलग अलग म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म के साथ उसमें जुड़े हुए। फिल्म में फिलहाल में 3 गाने रिलीज़ किए हुए। अभी ये 3 गाने ऑफिशियली जो रिलीज़ किए गए वो टी सीरीज़ के चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ पे टी सीरीज़ वालों ने इस फिल्म के जो गानों के राइट्स है वो एक डिसेंट में खरीदे हुए, जहां पे उन्होंने इन 3 गानों को रिलीज किया हुआ है। जिसमें से एक गाना तो रिक्रिएटेड रोम रोम वाला जो गाना आपको सुनने को मिला हुआ है वो पहले ही एमसी स्क्वेयर के द्वारा कानफोर्ड करके जो एक शो आता है, जो इंडिया हसल करके जो शो आता है, उसमें उन्होंने वो गाना गाया हुआ था। वो गाना काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और उसके बाद में उन्होंने उसके अलग अलग तरीके से वर्जन भी क्रिएट किए हुए थे और इस फिल्म में भी इस गाने को रखा हुआ है। देखते हैं कि ये गाना किस तरह से किसी फिल्म में यूज़ किया जाएगा। अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो इस फिल्म के एक्टर यानी कि विद्युत जामवाल के ही प्रोडक्शन कंपनी एक्शन हीरो फिल्म्स के नीचे स्टार्ट की गई थी। वैसे आदित्य दत्त के साथ उन्होंने इससे पहले कमांडो 3 बनाई हुई थी, वो उनकी पहली फिल्म थी दोनों के एक साथ में। ये सेकंड वेंचर आया हुआ है कमांडो 3 के बाद, जहाँ पे विद्युत जामवाल को कहानी के पीछ आदित्य दत्त के द्वारा 2021 के आसपास मिली हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल्स में शूट किया हुआ था। वैसे एक एक्शन फिल्म थी, इस हिसाब से फिल्म की शूटिंग में काफ़ी टाइम लगा हुआ था। इसके चलते इस फिल्म को रैपअप किया था 18 दिसंबर 2023 तक। उसके साथ ही में इस फिल्म के कुछ शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया जा रहा था। वैसे एक्चुअली में इस फिल्म में एक ट्विस्ट और है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले जैकलिन फर्नांडिस होने वाली थी, लेकिन कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इस फिल्म में जैकलिन के जगह नोरा फतेही को लिया हुआ है। इस फिल्म में आपको विद्युत जामवाल देखने को मिलेंगे लीड रोल में, नोरा फतेही उनके अपोजिट कास्ट की गई है। अर्जुन रामपाल इस फिल्म में शायद हो सकता है एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हो। एमी जैक्सन इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी। रुक्मिणी मैत्रा है वो इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आई है। पूजा सावंत ने भी इस फिल्म में रोम रोम गाने में स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है। तो कुछ एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म में अभी फ़िलहाल में जो कास्ट अनाउंस हुए उसमें काम करते हुए नजर आए। टीजर ट्रेलर में एक्टर्स देखने को मिले हुए। अब देखते हैं कि इनकी तरफ से इस फिल्म में किस तरह से कैसे क्या काम देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का पहला गाना दिल झूम, जिसको रिक्रिएट किया हुआ 2011 की जो एक एल्बम है झूम करके, जो पाकिस्तानी सिंगर अली फजल के उसमें से रिक्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे जो रिक्रिएट वाला गाना है उसका म्यूज़िक कंपोजिशन तनिष्क बागची ने किया हुआ है, गुरप्रीत साइनी ने लिखा हुआ है, विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने उसको गाया हुआ है। जीना हराम गाने को तनिष्क बागची ने लिखा और म्यूज़िक दिया हुआ है, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव ने गाया हुआ है। रोम रोम भी रीमेक गाना है, जो एमसी केयर का गाना है वही रीयूज़ किया हुआ है, जहाँ पे तनिष्क बागची के साथ उन्होंने एमसी केयर ने ही मिलकर म्यूज़िक दिया हुआ है और एमसी स्क्वायर ने लिरिक्स लिखे हुए, एमसी स्क्वायर के द्वारा ही उसको गवाया गया है। तो ये टोटल 3 ट्रैक है जिसको टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाए गए। फिलहाल में सभी गाने आपको टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। और भी गाने जो आने वाले समय में डेफिनेटली रिलीज़ किए जाएंगे, जहाँ पे इस फिल्म में पहली बार विद्युत जामवाल नोरा फतेही एक साथ पेयर अप करते हुए नजर आए। उनके जो परफॉर्मेंसेस है, जो टीज़र ट्रेलर सॉन्ग्स आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी नज़र आ रही है। टीज़र ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है कि एक भरोसा दे रही है कि फिल्म एक अच्छे एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाली, एक स्पोर्ट्स एक्शन काइंड ऑफ फिल्म होने वाले। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से मेकर्स ने पुल अप किया हुआ है। फिल्म का जो इस काइंड ऑफ बजट है, उस बजट के अंदर किस तरह से इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है, म्यूजिक का सपोर्ट किस तरह से रहता है, खास करके बैकग्राउंड स्कोर का सपोर्ट कैसा रहता है। फिल्म का रन टाइम, एडिटिंग भी काफ़ी डिपेंड करेगी कि फिल्म की एडिटिंग किस तरह से कैसे क्या है। अगर फिल्म को एक ऑन दी पॉइंट रखा होगा, स्क्रीन प्ले टाइट रहेगा। डेफिनेटली एक्शन फिल्मों में स्क्रीन प्ले टाइट रहता है, देखने का मज़ा एक और होता है। वैसे इस फिल्म को फर्स्ट एवर एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म के तौर पे इंडिया में रिलीज़ के तौर पे बताया जा रहा है। देखते हैं कि उसके साथ कैसा क्या काम रहता है। प्रीमाइस के ऊपर बातचीत करें, बताया जा रहा है कि विद्युत जामवाल मुंबई बेस्ड एक स्लम एरिया में रहने वाले एक लड़के, जहाँ पे उसकी एक जर्नी है वो एक डेंजरस दुनिया की ओर दिखाई गई है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस दिखाए हुए हैं, वो डेफिनेटली फिल्म में देखते समय आपको पता चलेंगे। जहाँ पे एक अंडरग्राउंड स्पोर्ट हो रहा है, वो एक डेंजरस दुनिया में वो कदम रखने जा रहे हैं, जहाँ पे एक रोल है अगर आप जीतोगे तो ही जियोगे, तो जो टाइटल है जीतेगा तो ही जिएगा, वही से लिया हुआ है। क्योंकि इस फिल्म में जो स्पोर्ट्स दिखाया है उसमें ऐसा ही कुछ काइंड ऑफ है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको जीतने के लिए या जीने के लिए, दोनों के लिए इस फिल्म में जो पार्टिसिपेंट है उसको सर्वाइव करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि विद्युत जामवाल का जो किरदार है किस तरह से क्या इसमें देखने को मिलता है। डेफिनेटली एक्शन तो काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा विद्युत जामवाल की तरफ से। अब देखते हैं कि उसकी कोरियोग्राफी कैसे क्या है। फिलहाल में टेक्निकली फिल्म अच्छी नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर सॉन्ग से फिल्म की मेकिंग अच्छी नज़र आ रही है, जो एक्टर्स लिए गए वो बढ़िया है। विद्युत जामवाल, नोरा फतेही पहली बार एक दूसरे के अपोजिट कास्ट किए गए, वो एक इंटरेस्टिंग पेयरअप नज़र आ रहा है। इसके अलावा डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि जो फिल्म के हित में अच्छा वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में भी इस फिल्म के जो यूट्यूब पे रिलीज़ किए गए उस पर। तब देखते कि इस सभी चीज़ों के साथ फिल्म किस तरह से क्या बॉक्स ऑफिस पे रन ले पाती है। हाँ, पहले 3 दिन फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन कर लेगी, जो विद्युत जामवाल का स्टारडम है उसके हिसाब से आराम से ये फिल्म थोड़ा बहुत कलेक्शन कर तो लेगी, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा कि फिल्म किस तरह से चलती है। उसके बाद में एक वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को लंबा रन दे सकता है। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो डेफिनेटली 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन है फिल्म डेफिनेटली कर सकती है। क्रैक फिल्म के OTT सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन 23 फरवरी 2024 को फिल्म डेफिनेटली थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे हिंदी वर्जन में फिल्म रिलीज़ होगी क्रैक नाम के साथ। आप थिएटर में जाके इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म और उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी। तो इस तरह से क्रैक फिल्म रिलीज़ करवाई जाएगी। तो बस गाइस, क्रैक फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है। फिल्म को किस तरह से कैसे ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, फिल्मिंग बजट के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रेडिक्शन किया हुआ है, आर्टिस्ट के बारे में बातचीत की हुई है, कहानी के ऊपर एक प्रेडिक्शन दिया हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।